गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस नॉर्सेप 2020 के महासंग्राम में एक और नया सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर मैक्सिमम पार्ट हम बोल सकते हैं अराउंड लगभग लगभग 30 से 40 एमसीक्यू जो है ये अकेला सब्जेक्ट कवर करता है। और सब्जेक्ट वी कैन से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसे एक नई जर्नी, नया सब्जेक्ट, नई उमंग, नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट करने में आपको मदद करेगी। फटाफट लिंक को शेयर करिएगा, फटाफट लिंक को शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर इट फास्ट, शेयर इट फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति, सुप्रिया, बलवंती, अशोक, रामकिशन, चांदनी, जया, बिल्कुल माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वी आर आर्मी मैन, वी आर आर्मी मैन, वी नेवर थिंक वी आर फटीग। हम हारे हुए कभी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा कहता हूं एक टीचर की एनर्जी, टीचर की ऊर्जा जो है वो स्टूडेंट होता है। और आप जैसे इतने शानदार शानदार हॉनेस्ट टाइम के पंचुअल कंसिस्टेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट यदि साथ हो तो थकान नहीं होती है, तो थकान नहीं होती है। आई रियली थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। मैं पिछले 3 से 4 मिनट तक वॉच कर रहा था, यू ऑल कम टू ज्वाइन JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल, देन पुट गुड इवनिंग सर। दैट इज अ वे हाउ टू रेस्पेक्ट योर टीचर, दैट इज अ वे हाउ टू मेक हेल्थी एनवायरमेंट। आई रियली सैल्यूट योर डेडिकेशन, बहुत शानदार। यही यही आपका डेडिकेशन आपके परिवार को मजबूत करता है। आपका पंचुअलिटी फिक्स, 6 o'clock सारे बच्चे अवेलेबल हो गए हैं और दे सेइंग गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर। दैट इज अ वे, दैट इज अ वे हाउ टू मेक हेल्थीनेस इन द फैमिली। आई रियली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन, एक नए थॉट के साथ हम शुरुआत करेंगे नए सब्जेक्ट की। देखिए बच्चों, सफलता तब मिलती है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से, आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। दैट मीन्स माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जिस दिन आपने बहाना मारना छोड़ दिया, नेट नहीं है, टाइम नहीं था, बिजी था, क्लास नहीं अटेंड की, कुछ न कुछ इश्यूज लाइफ में आएंगे, और जिस दिन बहाने मारने छोड़ दिए सफलता चल के आपके सामने आएगी। तो इस तरीके के डेडिकेशन के साथ आपको इस 2020 नॉर्सेट को फतेह करना है। जर्नी बड़ी खूबसूरत चल रही है, डेली इस परिवार में आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ते जा रहे हैं, परिवार बड़ा होता जा रहा है, और रियली बहुत बहुत आनंद की अनुभूति होती है आप लोगों का प्यार और स्नेह देख करके। इसीलिए हमने इवनिंग में जो है नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का प्लान किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए सब्जेक्ट का आगाज हम कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट का आगाज आप हम करते जा रहे हैं। अपना सब्जेक्ट है माय डियर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग नॉर्सेट 2020, फॉर कमिंग नॉर्सेट 2020। आज इस नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आप और हम सब, आप और सब, हम सब मिल करके नर्सिंग के फाउंडर बोल सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोल सकते हो, फ्लोरेंस नाइंटिगल का आज जो है डेथ एनिवर्सरी है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस नए सब्जेक्ट का आगाज आप और हम करेंगे। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी यहां साथ में लर्न करते हुए आगे जाएंगे। फ्लोरेंस नाइंटिगल, जिसको हम लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, जिसको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोलते हैं, शी इज अ पाइनियर ऑफ नर्सिंग, आज उनका डेथ एनिवर्सरी है, आज उनका डेथ एनिवर्सरी है। आज डेट जो है वो 13 अगस्त, आज की डेट जो है वो 13 अगस्त है, और इसी दिन 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अंतिम सांस लिया था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो दैट ऑल्सो वी कैन से इट्स योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेथ कब हुआ, 13 अगस्त। याद रखना, जिस दिन JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का
नया नया टॉपिक और सब्जेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था वो डेट क्या थी, 13 अगस्त, और 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अंतिम सांस ली थी। इसलिए आप और जेएनसी परिवार की तरफ से मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देता हुआ इसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, वी आर क्रॉस्ड 900। लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक करना ना भूले। और मैं उन मेरे प्रिय जनों से भी कहना चाहता हूं, फटाफट आप हमेशा की तरह आके डिसलाइक करके चले जाते हैं, आइए करिए अपना काम पूरा करिए, हम हारने वाले नहीं है, हम जीतने के लिए संघर्ष करें, संघर्ष करते रहेंगे। ओके भाई, सबसे पहले बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 101% आएगा, 101% यहां पर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बच्चों हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द लेडी विद द लैम्प, व्हाट वी आर पुटिंग, दैट इज अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए लेडी विद द लैम्प क्यों कहते हैं, मैं शॉर्टली बता देता हूं। जब क्रिमिनल वॉर हुआ था उस वॉर में सोल्जर की सेवा करते समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक लैम्प की मदद ली और लैम्प की मदद से उनका केयर किया, देन वी कैन से लेडी विद द लैम्प। ज्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस पे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, नर्सेस डे एवरीबॉडी नो वेरी वेल, बॉर्न ऑन 12th May 1820। यहां छोटी छोटी चीजें हैं बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, छोटी छोटी चीजें हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बॉर्न ऑन 12th May 1820 इन फ्लोरेंस। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन से सिटी में बॉर्न हुई, तो फ्लोरेंस किसका नाम है, सिटी का नाम है इटली कंट्री, कभी कभी कंट्री लिखा होगा और कभी 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 सिटी का पूछा जाए, डोंट बी कंफ्यूज, वी आर क्रॉस्ड 1000। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर, थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों 12th मई, एवरीबडी नो वेरी वेल, 12th मई 1820 को फ्लोरेंस सिटी में इटली कंट्री का नाम है, वहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, वहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, वेलकम, वेलकम यू ऑल इन जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल, वेलकम यू ऑल। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन सभी का जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने पुट किया है इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटिंग ऑन 12th मई एवरी ईयर। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है बट यहां बताना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है, रिमेंबर करना जरूरी है कि नर्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। एवरीबॉडी नो वेरी वेल 12th मई को हम लोग एवरी ईयर नर्सेस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, द थीम ऑफ नर्सेस डे इन 2020। देखिए दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर थीम पे एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और नर्सेस डे का जो थीम था 2020 2020 में, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये 2020 का 2020 का थीम है बच्चों। और मैं बताना चाहूंगा थीम किसने दिया, आईसीएन। देखिए ये आईसीएन कौन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मैं आगे आपको रेगुलेटरी बॉडी में डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहां इतना ही बताना चाहूंगा आईसीएन जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग जो है गिवन द थीम ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। आप सभी को पता है COVID-19 के इस संघर्ष भरे टाइम में रियल वॉरियर्स का काम किया नर्सिंग ऑफिसर्स ने, नर्सिंग ऑफिसर्स ने। तो इस बार 2020 है, 2020 में बहुत सारी चीजें हुई और इसी खुशी में नर्सेस डे का थीम क्या दिया, नर्सिंग द वर्ल्ड टू दैट वी कैन से हेल्थ। देखिए आज अभी मैंने आपको बताया डेथ कब हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक आज ही के दिन बच्चों 13 अगस्त 1910 कहां पर हुआ, लंदन में। थैंक यू सो मच, यू क्रॉस्ड 1100। बच्चों लाइक करना ना भूले, मैं हमेशा कहता हूं दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट एवरीवन, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, लाइक करना ना भूले। देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से मुझे ग्लूकोज मिलता रहेगा, आई गॉट एनर्जी, देन आई विल डू मोर हार्डवर्क, ओके फाइन। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट किए, देखिए बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट किया विच इज बिलोंग फ्रॉम द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए मार्च 1854 में
फ्लोरेंस नाइटिंगल मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन कम ड्यूरिंग क्रिमिनल वॉर, पहली बार जब क्रिमिनल वॉर हुआ और क्रिमिनल वॉर में 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगल लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी गई थी और उस समय ये लाइमलाइट में आई कि भाई शी इज ओनली वन वुमन एबल टू डू द केयर ऑफ सोल्जर विद द लैम्प। देन सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बच्चों, मैंने बहुत सारी उन चीजों को इन्वॉल्व किया आज जो आने वाले डेली एम्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं आपको, रिसेंट अपडेट करना भी जरूरी होता है। ये इस साल का क्वेश्चन है, ये इस साल का 2020 नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है। ईयर 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइन 2020 एज द ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, इसको 101% लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा डेली एम्स में, ये नॉर्थ सेट का एमसीक्यू है, ये नॉर्थ सेट का एमसीक्यू है। रिसेंट अपडेट आना बहुत जरूरी है कि 2020 जो है इस ईयर को WHO ने किस नाम से डिक्लेयर किया, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ। क्यों किया? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगल के 200वें बर्थडे पर, 200th बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल, 200 एनिवर्सरी पर क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि ये साल जो है इसको हम ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ के नाम से। दो चीजें बनता है, डिक्लेयर किसने किया, WHO ने, किस खुशी में किया, फ्लोरेंस नाइटिंगल के 200वें बर्थडे पे, 200 एनिवर्सरी पे किया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस नाम से डिक्लेयर किया, ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। Got it everyone, my loving future nursing officer? Yes, बिल्कुल, प्रजाक्ता, thank you so much, my loving future nursing officer. Very good, welcome to JNC exclusive fan. क्या बात है, आप क्या क्या डिजाइन करते रहते बच्चों, really, thank you so much. Okay, fine. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि who is the founder of modern nursing? Don't be confused, my loving future nursing officer. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि who is the founder of modern nursing? कुछ बच्चे वर्जीनिया हेंडरसन कर देते हैं, that we can say founder of modern nursing हम किसको बोलते हैं, Florence Nightingale को। Okay, fine. फिर आता है कि father of nursing के नाम से पूछते हैं तो भी किसको बोलेंगे, Florence Nightingale। फिर modern father of nursing पूछेंगे तो भी क्या लिखना बच्चों, Florence Nightingale। और mother of modern nursing पूछे तो भी क्या लिखना, Florence Nightingale। एक क्वेश्चन यहां आएगा और बनेगा 101% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। Then she was statistician थी और she was researcher, ये फ्लोरेंस नाइटिंगल statistician और researcher थी और इसने contribute किया इस शानदार profession को। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें it boost up for competitive exam. Okay fine, we'll go further. नेक्स्ट मैंने पुट किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगल ने एक बुक लिखा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने कौन सा बुक लिखा, नोट्स ऑन नर्सिंग 1859। दिस इज ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीवन, नोट्स ऑन नर्सिंग, ये फ्लोरेंस नाइटिंगल के द्वारा लिखी हुई बुक्स है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने कौन सा बुक्स लिखा। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, जयेश, वेरी गुड इवनिंग डियर, थैंक यू प्रियंका पटेल, थैंक यू डियर सुनिधि, कैरी ऑन अंजलि, बहुत बढ़िया, कैरी ऑन बच्चों। उसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगल को हम इंडिया की, देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सरोजनी नायडू। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, हु इज द फ्लोरेंस नाइटिंगल ऑफ इंडिया, इंडिया की फ्लोरेंस नाइटिंगल किस नाम से जाना जाता, किसको जाना जाता है बच्चों, आपको आंसर क्या लिखना, सरोजनी नायडू। क्या आंसर लिखोगे, सरोजनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दैट विल कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच, वी आर क्रॉस्ड 1350। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी। लाइक करना ना भूले बच्चों। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं जिसमें कम से कम आज हम 10 कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे जो दिल्ली एम्स नॉर्थ से 2020 में आने वाले हैं। यू विल बी रेडी माय डियर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि हम फ्लोरेंस नाइटिंगल की बात करें,
इसको हम फर्स्ट थ्योरिस्ट भी बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट थ्योरिस्ट। देखिए मैं बहुत सारे थ्योरिस्ट का नाम यहां पर आपको बताऊंगा और थ्योरिस्ट ने अपने अपने व्यू को पुट किया, थ्योरिस्ट ने अपने अपने व्यू को पुट किया है और यहां पर मैंने पुट किया माय डियर फर्स्ट थ्योरिस्ट कौन है, हु इज द फर्स्ट थ्योरिस्ट। आंसर क्या लिखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आंसर क्या लिखना बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके फाइन, फिर आता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा थ्योरी दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल थ्योरी, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के व्यू के अकॉर्डिंग बच्चों एनवायरमेंट यदि हेल्थी है तो पर्सन जो है वो हेल्थी होगा। इट्स योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा थ्योरी दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा थ्योरी दिया। देखिए बच्चों एनवायरमेंटल थ्योरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बताया कि प्योर और फ्रेश एयर होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, एफिशिएंट ड्रेनेज होना चाहिए, वेस्ट का जो एक्सपल्शन है उसके लिए ड्रेनेज एफिशिएंट होना चाहिए, आसपास क्लीनलीनेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तो एक पर्सन जो है वो हेल्थी लाइफ को जी सकता है, एक पर्सन जो है वो हेल्थी लाइफ को जी सकता है। गॉट इट एवरीवन। देखिए प्योर और फ्रेश एयर होना चाहिए, वाटर जो है प्योर होना चाहिए, एफिशिएंट ड्रेनेज होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए आसपास, और लाइट होना चाहिए। ये एक पर्सन को हेल्थी रहने का क्राइटेरिया उसने बताया। दैट थिंग्स विल बी गिवन इनटू द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने दिया, फ्लोरेंस। थैंक यू, वी आर क्रॉस्ड 1400। थैंक यू सो मच। देखिए थैंक यू सो मच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूं। प्योर फ्रेश एयर, लाइट, प्योर वॉटर, देन एफिशियंट ड्रेनेज एंड क्लीनलीनेस, द थिंग्स वॉज गिवन बाई द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गॉट इट एवरीवन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी बच्चों, एनवायरमेंटल, कि यदि ये एनवायरमेंट में ये चीजें हैं और एनवायरमेंट हेल्थी है तो एक पर्सन हेल्थी रह सकता है, एक पर्सन हेल्थी सर्वाइव कर सकता। ओके फाइन विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने यहां पर पुट किया है, क्वेश्चन पुट किया है, नाइटिंगेल वॉज गिवन विच नर्सिंग थ्योरी। अब फटाफट मुझे आंसर आना चाहिए बच्चों, फटाफट मुझे आंसर आना चाहिए। 14 बेसिक नीड्स। दूसरा यूनिटी ह्यूमन बींग। थर्ड वन न्यूमन्स सिस्टम मॉडल। और फोर्थ वन फोकस ऑन इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थफुल एनवायरमेंट विथ नर्सिंग। पुट द राइट आंसर एवरीवन। विच इज द राइट आंसर। ए बी सी डी पुट करिए, फास्ट पुट करिएगा। बहुत बढ़िया। कीप कंटिन्यू बच्चों। आपका आंसर मुझे इंडिकेट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे हो। पुट इट एवरीवन। पुट द राइट आंसर क्वेश्चन में, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया। फटाफट राइट आंसर पुट करिए। बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा आगे, यू नेवर थिंकिंग अबाउट इट। बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है, वो हर एक एक क्वेश्चन आप तक डिलीवर करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सेलेक्ट करने में मदद करेगा। बहुत बढ़िया। विच इज द राइट आंसर। ओके फाइन, अभी हमने पढ़ा एनवायरमेंटल थ्योरी था और एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दिया, दैट वाज गिवन बाय द नाइटिंगेल। बट यहां पर मैं तीन और थ्योरी का नाम पुट किया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता। बिल्कुल, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, यहां पर लिखा है 14 ह्यूमन बेसिक नीड वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया है। किसने दिया बच्चों, वर्जीनिया हेंडरसन ने जो थ्योरी दिया वो क्या था, 14 ह्यूमन बेसिक नीड, 14 ऐसी नीड थी वो फुलफिल हो जाए तो एक पर्सन हेल्थी रह सकता है। ओके भाई, एक और मैं बताना चाहूंगा, वर्जीनिया हेंडरसन आपकी नर्सिंग की डेफिनेशन भी दिया है। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा, नर्सिंग इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स पढ़ा होगा। ये किसने दिया वर्जीनिया हेंडरसन पूछा जा सकता है डेफिनेशन। थैंक यू इंडिया, ट्रस्ट ऑन जेएस यू कंप्लीटली क्रॉस ऑन 1400। क्या बात है। यही ट्रस्ट, यही आपका उत्साह, यही आपका पार्टिसिपेशन परिवार को मजबूत करता है और परिवार आपके लिए बैकबोन के रूप में हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा रहेगा टिल योर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन। ओके फाइन, गॉट इट। इससे बड़ा जूम क्या करूंगा बच्चा। आप अपने आप को थोड़ा जूम करें। ओके फाइन, विल गो नेक्स्ट। दूसरा मैंने लिखा यूनिटी ऑफ ह्यूमन बींग किसने दिया, मार्था रोजर। देखिए बच्चों, मार्था रोजर, लीना रानी,
वेलकम टू जेएनस प्रीमियम। क्या बात है बच्चों, आजकल तो बच्चे प्रीमियम में छाए रहते हैं, यही तो आपका खूबसूरती से पार्टिसिपेशन शो अप करता है। यूनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय द मार्था रोजर, 14 ह्यूमन बेसिक नीड बाय द वर्जीनिया हेंडरसन, देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, न्यूमन सिस्टम मॉडल बाय द बैटी न्यूमन, बाय द बैटी न्यूमन। देखिए थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, थ्योरी पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी का नाम लिखा थ्योरिस्ट का नाम पूछेंगे, थ्योरी का नाम लिखा होगा थ्योरिस्ट का नाम पूछेंगे, तो बहुत इजीली मैं सारी वो थ्योरी बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, सारी वो थ्योरी बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, वी विल गो फर्दर। सेल्फ केयर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी पे पूछा जाता है। सेल्फ केयर कविता, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग क्रॉस 1450 क्रॉस। लाइक इट एवरीवन, लाइक इट, लाइक करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल। गोल्डन इंडिया जीके क्लासेस, सही लिखा बेटा आपने, बिल्कुल सही लिखा। ओके फाइन, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी किसने दिया? सिस्टर क्लिस्टा रॉय, डोरोथा ई ऑरम्स, देन वर्जीनिया हेंडरसन, देन बैटी न्यूमन। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर। इट्स इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी किसने दिया? वर्जीनिया हेंडरसन अभी आपने पढ़ लिया, 14 बेसिक नीड दिया अभी आपने पढ़ा, बैटी न्यूमन्स ने न्यूमन्स मॉडल दिया अभी आपने पढ़ा। आपके पास दो ऑप्शन है और आपको एक सेलेक्ट करना है। बहुत इजी हो गया, एक सेलेक्ट करना हो फटाफट पुट करेगा ए बी सी डी। बच्चों मैंने क्लियर कट कर दिया, सी और डी नहीं होगा, आपको ए और बी में से फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इट एवरीवन। शाबाश, बहुत बढ़िया। रॉय अडॉप्टेशन मॉडल, नो बेटा नो, सुजाता नहीं। ठीक से आंसर दें। सिस्टर क्लिस्टा रॉय, डोरोथा ई ऑरम्स, व्हिच इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, बी को लॉक कर दिया जाए और बिल्कुल सही आंसर। ये आंसर अगेन आपको दिल्ली एम्स के और करीब पहुंचाएगा, और करीब पहुंचेगा, क्यों? हर वो क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि यू आर गोइंग टू बी बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। आई रियली लाइक इट, you are boost up your confidence, that confidence will be helping for selection. मैंने दो चीज नहीं बताई है, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एंड अडॉप्टेशन मॉडल गिवन बाय द सिस्टर क्लिस्टा रॉय। क्लिस्टा रॉय ने इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग एंड अडॉप्टेशन मॉडल दिया था, वो क्लिस्टा रॉय ने दिया। तो यहां सीधा क्वेश्चन आएगा, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी किसने दिया? आपको आंसर क्या लिखना? डोरोथा ई ऑरम्स का। क्या लिखना बच्चों? डोरोथा ई ऑरम्स। क्या बात है, शाबाश। ये चीजें हैं लॉन्ग टाइम के लिए, गजनी नहीं बनना आपको, लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर करना है। ये नहीं कि डेली एम्स का एग्जाम, उसके बाद में भी रिमेंबर करना है। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके फाइन, देव थैंक यू जेएनसी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जेएनसी परिवार पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली देखिए, इस बच्चे ने फिर 100 रुपीज जेएनसी को डोनेट किया है गरीब बच्चों के लिए, और हमेशा हर क्लास में देखता हूं आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो। यही तो एक परिवार का प्यार होता है जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है। शुक्रिया माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके नेक्स्ट, मैंने पुट किया मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग में कौन कौन आता है, मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग में कौन कौन आता है? इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मतलब वो सभी है एक को छोड़ के। क्वेश्चन को समझना, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड का मतलब होता है उस एक को छोड़ के। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, उस एक को छोड़ के, वो कौन सा जो नहीं है। जयदीप सिंह, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, देखिए ए पर्सन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। क्वेश्चन ये आएगा कि मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना? पर्सन। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है? आपको आंसर क्या लिखना? पर्सन। दूसरा यहां एनवायरमेंट लिखा है, तीसरा यहां हेल्थ लिखा है, चौथा यहां नर्सिंग लिखा है, पांचवा यहां हॉस्पिटल लिखा है। कौन जो है वो मेटा पैराडिग्म नहीं है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स को हम मेटा पैराडिग्म नहीं बोलते बच्चों? फटाफट लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है,
कि एलिमेंट पर्सन होता है, एनवायरमेंट होता है, हेल्थ होता है, नर्सिंग होता है, और इन चारों को हम बोलते हैं मेटा पैराडिग्म, इन चारों को हम बोलते हैं मेटा पैराडिग्म। मानक वेरी गुड इवनिंग। और हॉस्पिटल जो है मेटा पैराडिग्म में नहीं आएगा, हॉस्पिटल जो है मेटा पैराडिग्म में नहीं आएगा। देखिए मैंने पुट किया बच्चों, मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग क्या, फोकस ऑन द आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप अमंग फोर मेजर कॉन्सेप्ट, पर्सन, एनवायरमेंट, हेल्थ और नर्सिंग। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, क्वेश्चन ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेटा पैराडिग्म में किसका होगा, कौन होगा। तो देखिए पर्सन नहीं है तो बाकी चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो पर्सन जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सन जो है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। मेटा पैराडिग्म का मतलब होता है कि हम एक आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप डेवलप करके फोकस नर्सिंग केयर कर सके। तो पर्सन होगा, उसका एनवायरमेंट, उसका हेल्थ और नर्सिंग केयर, चारों चीजें यदि कम्स टुगेदर टू मेक हेल्थी। ओके फाइन वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहां मिलेगा, प्रिंसिपल अप्लाइड नर्सिंग प्रोसीजर ऑल एक्सेप्ट। देखिए वेर एवर, क्या बात है मीनाक्षी, 40 रुपीज डोनेटेड इन द जेएनसी अकाउंट, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू मीनाक्षी, कैरी ऑन। क्वेश्चन आएगा कि जब भी हम किसी पर्सन का नर्सिंग केयर करते हैं, थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, वी आर क्रॉस्ड 1500, वी आर क्रॉस्ड 1500। देखिए बच्चों प्रिंसिपल कौन कौन से नर्सिंग प्रोसीजर में अप्लाई करते हैं एक को छोड़ के। मेरा पर्पज है मैं आपको सारे प्रिंसिपल यहां पर बताऊं, मेरा पर्पज है मैं सारे प्रिंसिपल आपको यहां पर बताऊं। यू कैन सी एवरीवन, सेफ्टी, कोई भी प्रोसीजर करने में सेफ्टी जरूरी है, यस इंक्लूडेड। दूसरे नंबर पे कंफर्ट, पेशेंट का केयर करते समय पेशेंट का कंफर्ट जरूरी है, यस बहुत जरूरी है। देन माय डियर यूज ऑफ रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस को यूज करना, अगेन ये प्रिंसिपल है ड्यूरिंग कंडक्टिंग ऑफ द प्रोसीजर। ओके फाइन माय लविंग नर्सिंग ऑफिसर्स, गुड वर्कमैनशिप, गुड आईपीआर विद द पेशेंट मस्ट बी नीडेड। देन इंडिविजुअलिटी, देखिए जब भी हम किसी पर्सन का केयर करते हैं तो उस इंडिविजुअल फोकस की भी जरूरत होती है, इंडिविजुअल फोकस की भी जरूरत होती है। देन माय डियर मनी, कौन सा प्रिंसिपल नर्सिंग प्रोसीजर में अप्लाई नहीं होता है। कार्तिक, थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये होती ना हॉनेस्टी वाली बात। कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों जो नर्सिंग प्रोसीजर में अप्लाई नहीं होता। पवन थैंक यू सो मच, थैंक यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पवन। देखिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, ये भी हमेशा ध्यान रखना, नर्सिंग प्रोसीजर कंडक्ट करने में पैसा नहीं चाहिए और पैसा कभी नहीं लेना चाहिए। ऊपर वाली कमाई, नीचे वाली कमाई कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, ईमानदारी से प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए। सैलरी 2000 भी मिले कुछ बच्चे बदमाशी कर लेते हैं। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मनी जो है, मनी को हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट से दैट इज अ प्रिंसिपल। ओके फाइन। अब देखिए क्या लिखा रहा बच्चों, एम्स, क्या लिखा दिख रहा है आपको, एम्स का लोगो लगा है। ये आप और हम दोनों का ड्रीम है, सपना है। मुझे हर बच्चे के यूनिफॉर्म पे एम्स का लोगो चाहिए। हर बच्चे के यूनिफॉर्म में जब सेलेक्ट होके आओगे एम्स का लोगो, आई वॉन्ट टू सी यू ऑल इन एम्स, दैट्स माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू सी इन एम्स। मैं यहां एम्स को क्यों लेके आ रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी दिल्ली एम्स ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो दिल्ली एम्स ने क्या किया, दिल्ली एम्स ने जिस एम्स का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ममता सिंह थैंक यू सो मच, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एम्स का नाम होगा फ्रेम्स रायबरेली, लोकेटेड कहां है, डायरेक्टर का नाम क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ। ये तीन एलिमेंट हर एम्स के आपको पता होना चाहिए, ये तीन एलिमेंट, जहां अभी 15 एम्स की वैकेंसी आई है, तीन एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए, तीन एलिमेंट्स याद होना चाहिए कि एम्स का है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वो स्टार्ट कब हुआ, उसका डायरेक्टर कौन है। और मैंने ये पूरा बही खाता आपके सामने लेके आया हूं, एक क्वेश्चन हर बार आता है बच्चों। देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सभी को अच्छे से बताया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज आवर ड्रीम्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज आवर ड्रीम्स। ये आप और हम सबका सपना है, मुझे हर एम्स में
जेएनसी परिवार के सदस्य चाहिए मुझे जो जेएनसी परिवार से जुड़े। नीतू थैंक यू सो मच। ओके फाइन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑल इंडिया जो है, ऑल इंडिया एम्स जो है वो किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। नेत्राम साहू थैंक यू सो मच डियर। देखिए किस डिपार्टमेंट के अंडर आपका एम्स वर्क करता है, आपको नॉलेज के लिए बताना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्क करता है। दिस अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। पांच ऐसे एमसीक्यू आते हैं जो रिसेंट चीजों को प्रदर्शित करते हैं। आपको मैं वो भी डिलीवर करूंगा। थैंक यू इंडिया, वी आर क्रॉस्ड 1555। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए एम्स दिल्ली की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा एम्स दिल्ली पे? देखिए बच्चों कि एम्स दिल्ली कहां लोकेटेड है, वेयर विल बी लोकेटेड। बहुत इजी है, दिल्ली में लोकेटेड। दिल्ली में पूछे तो न्यू दिल्ली लिखना है। दो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? न्यू दिल्ली। क्या लिखना है? न्यू दिल्ली। बताना चाहूंगा आपका INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहां पर है? न्यू दिल्ली में। बताना चाहूंगा ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI कहां पर है? न्यू दिल्ली में। आपको बताना चाहूंगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहां बच्चा? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। WHO कहां है? न्यू दिल्ली में। देखिए ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज को बूस्टअप करेगा, आपका सिलेक्शन श्योर करेगा, आपका सिलेक्शन श्योर करेगा बच्चों। देखिए क्लियरली क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहां है? तो न्यू दिल्ली में। ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में कहां पर है? तो लिखना न्यू दिल्ली में। और दिल्ली में जो एम्स है वो कहां पर, सभी को बताए। दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं बच्चों, दिल्ली की हिस्ट्री भी पढ़ने लगे अब, दिल्ली दूर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट पूछा कि दिल्ली एम्स कब एस्टैब्लिश हुआ? दिल्ली एम्स कब एस्टैब्लिश हुआ? 1956। ये पहला एम्स है, ध्यान रखना बच्चों, ये इंडिया का पहला एम्स है। ये इंडिया का पहला एम्स है, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ, इंडिया का पहला एम्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसका डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। देखिए आपने पिछले पेपरों में देखा होगा एक डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है, एक डायरेक्टर का नाम पूछा गया है हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर में, एक डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। देखिए रणदीप गुलेरिया। We are crossed 1600, क्या बात है। ये इतना सारा प्यार, स्नेह, भरोसा दिखाने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये भरोसा दिखाते हैं आप लोग, हम और मेहनत करेंगे। ओके फाइन। डायरेक्ट कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो ये तीन चीजें यहां पर, हर एम्स की तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, जहां एक क्वेश्चन मिलना ही है, 100% मिलना है। न्यू दिल्ली में 1956 में एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि 1956 के बाद में 2012-13 में एस्टैब्लिश हुए एम्स, उसके बाद में 2019 में एस्टैब्लिश हुए, उसके बाद 2019 में एस्टैब्लिश हुए। हमें सारे एम्स का डाटा जानना जरूरी है, हमें सारे एम्स का डाटा जानना जरूरी है बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा एम्स बठिंडा। मेरे पंजाबी जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपके पास पहुंच रहे एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा जो है पंजाब में, राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है? पंजाब है। स्टेट कौन सा है बच्चों? पंजाब है। और एस्टैब्लिश कब हुआ? 2019 में। ये रिसेंट एस्टैब्लिश हुआ है, 2019 में एस्टैब्लिश हुआ है। देन डायरेक्टर कौन है? मिस्टर दिनेश कुमार सिंह। माय डियर मिस्टर दिनेश कुमार सिंह इज अ डायरेक्टर ऑफ बठिंडा एम्स। थैंक यू सो मच, लव यू टू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, किसी भी एम्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। ओके फाइन। बात आती है एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल पुराना हॉस्पिटल है, ध्यान रखना। एम्स भोपाल जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपकी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, कहां लोकेटेड है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहां लोकेटेड है? एमपी मध्य प्रदेश में। और एस्टैब्लिश हुआ 2012 में बच्चों, देखना। कुछ एम्स जो है पुराने हैं और 2012 में हुए हैं, बीच में एक 2013 वाला भी बताऊंगा, बाकी रिसेंट जो है 2019 में हुए हैं, 2019। बिल्कुल रंजना सही बोले बेटा। ओके फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह
दैट इज अ डायरेक्टर ऑफ एम्स भोपाल, डायरेक्टर ऑफ एम्स भोपाल। ये बेसिक वो डाटा मैं आपको दे रहा हूं जिनमें से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछना ही है, पूछना ही है, 100% एक क्वेश्चन आएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट हम चलते बच्चों एम्स देवगढ़। ये नया एम्स खुला है, ये एक नया एम्स खुला है। मैं देवगढ़ एम्स की भी जानकारी देता हूं आपको, जानने से पहले आपको पता होना चाहिए। आप जब ज्वाइन करने जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है सभी लोग आप ज्वाइन करने वाले, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको पता होगा कि सर ने मुझे बताया था कि मैं कौन से एम्स में जा रहा हूं, कौन से एम्स में जा रहा हूं। एम्स देवगढ़ जो है झारखंड में लोकेटेड है बच्चों, झारखंड में लोकेटेड है। ये स्टेट है झारखंड जहां एम्स देवगढ़ लोकेटेड है। ओके फाइन, एस्टैब्लिश अभी रिसेंट हुआ है 2019 में, रिसेंट एस्टैब्लिश हुआ है 2019 में। मैं बहुत बेसिक डाटा दे रहा हूं आपको, बहुत बेसिक डाटा दे रहा हूं जो सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, याद रखना देवगढ़ झारखंड में। ओके फाइन, वहां के डायरेक्टर कौन है? सौरभ, सौरभ वर्सेनी, सौरभ वर्सेनी डायरेक्टर ऑफ एम्स देवगढ़। नोट डाउन करते रहिएगा, 2020 में सिलेक्शन लेना है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं वो हर डाटा आप तक पहुंचाऊंगा, जेएनसी परिवार हर डाटा आप तक देगी जो डेली एम्स अपने पेपर में डालने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और वो पूरा डाटा आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब पेपर अटेंड करोगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि ये सारी चीजें सर ने पढ़ा रखी है, ये जेएनसी में हमने पढ़ा हुआ है। मैं एक एक माइनर टू माइनर थिंग्स आप तक डिलीवर करूंगा। इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने जिस दिन वैकेंसी आई उसी दिन आपको कहा था, आप सिर्फ फॉलो करो, पढ़ाई करो, दी हुई चीजों को याद रखो, आप तक क्या डिलीवर करना है वो जेएनसी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जेएनसी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक चीजों को हम डिलीवर करें। ओके फाइन, चलते हैं एम्स गोरखपुर। मेरे यूपी वाले जितने भी प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, हम आप तक भी पहुंचे बच्चों, एम्स गोरखपुर। देखिए यूपी उत्तर प्रदेश में, मैं बताना चाहूंगा यूपी में दो एम्स खुल गए, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली। यूपी में दो एम्स है, उत्तर प्रदेश में लोकेशन उत्तर प्रदेश है गोरखपुर का। एस्टैब्लिश अभी रिसेंटली हुआ है 2019 में, रिसेंट एस्टैब्लिश हुआ है 2019 में। देन याद रखना बच्चों डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुरेखा किशोर, सुरेखा किशोर डायरेक्टर ऑफ एम्स, एम्स गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुरेखा किशोर। याद रखना तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बाद बहुत ऐसी ऐसी चीजें आपको डिलीवर करूंगा, आप उस चीज को सीधा, उस क्वेश्चन को सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉल्व करोगे। ओके फाइन, चलते हैं एम्स जोधपुर, आपका अपना जोधपुर। एम्स जोधपुर के बारे में जानना बहुत जरूरी, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर होंगे जो अभी मुझे लाइव देख रहे होंगे एम्स जोधपुर में बैठ के, उन सभी का शुक्रिया जेएनसी में भरोसा करने के लिए। आपका प्यार और स्नेह मुझे एम्स जोधपुर से ऐसा ही मिलता रहे। और मैं बताना चाहूंगा राजस्थान में लोकेटेड है जहां आपका जेआईएनसी, याद रखने का तरीका, जहां आपकी जेआईएनसी लोकेटेड है वहीं एम्स जोधपुर लोकेटेड है। एस्टैब्लिश हुआ 2012 में और डायरेक्टर है डॉक्टर संजीव मिश्रा, मिश्रा जी इसके डायरेक्टर है डॉक्टर संजीव मिश्रा। गॉट इट एवरीवन, ये एम्स जोधपुर के बारे में बता रहा हूं। आप एम्स जेआईएनसी को अच्छे से जानते हो तो जोधपुर को, एम्स को भी जानना जरूरी है। ओके फाइन, अब हम चलते हैं बच्चों कल्याणी। देखिए मैं वेस्ट बंगाल भी पहुंच गया हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आ रहा हूं आपके पास। एम्स कल्याणी में आपके फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर भी पहुंच रहे हैं, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है कल्याणी है। 2012 में खुला बच्चों, 2012 में खुला है और डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर रामजी सिंह डायरेक्टर ऑफ एम्स कल्याणी, डायरेक्टर ऑफ एम्स कल्याणी। बहुत आसान, बहुत इजी वे में हम चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच तगाराम, थैंक यू वेरी मच। ओके फर्दर हम चलते बच्चों मंगलागिरी। कुछ जेआईएनसी में पढ़े हुए सिलेक्टेड बच्चे मंगलागिरी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास उनके छोटे भाई बहन और पहुंचेंगे। एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में, देखिए बच्चों आंध्र प्रदेश में है और ये एस्टैब्लिश हुआ 2018 में, देखना ये 2018 में, क्योंकि 14 में पास हुआ, 18 में एस्टैब्लिश हुआ। और मिस्टर मुकेश त्रिपाठी, मिस्टर मुकेश त्रिपाठी, मुकेश त्रिपाठी डायरेक्टर ऑफ एम्स मंगलागिरी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं आपके छोटे भाई बहन मंगलागिरी में भी बहुत जल्दी। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू रीच 1700। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। ओके फाइन, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में जेएनसी के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग ऑफिसर बन के पहुंचे हैं, कुछ बच्चे वहां पर भी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र
देखिए बच्चों, आई डिड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, आई लाइक इट महाराष्ट्र, आई लव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका एम्स नागपुर है, याद बता दे, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी भी क्या है, कौन है, तो ये नागपुर सेंटर में स्थित है। एस्टैब्लिश 2018 में हुआ, डॉक्टर विभा दत्ता, डॉक्टर विभा दत्ता एम्स नागपुर के डायरेक्टर, एम्स नागपुर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। बच्चों हम चलते एम्स पटना, बिहार भी आ चुके हैं, बिहार भी पहुंच गए। एम्स पटना की बात करें तो एम्स पटना कहां लोकेटेड है, बिहार में, 2012 में एस्टेब्लिश हुआ। प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह जो है डायरेक्टर है, बिल्कुल पायल, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। याद रखिएगा बच्चों, एम्स पटना जो है 2012 में आ गया था, बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है, और डायरेक्टर कौन है, प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह, ओके फाइन, ओके फाइन। सभी मेरे महाराष्ट्र के जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात एम्स भी पहुंचे बच्चों, वैकेंसी आने दो। नेक्स्ट एम्स रायबरेली, एम्स रायबरेली, एक बार फिर हम यूपी चलते हैं, एक बार फिर हम यूपी चलते हैं, उत्तर प्रदेश में एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली, दो एम्स है। 2013 में देखिए, या कुछ अड़चनों की वजह से 12 की बजाय ये 13 में हुआ, 12 की बजाय 13 हुआ, और डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर जगत राम डायरेक्टर ऑफ एम्स रायबरेली, डायरेक्टर ऑफ एम्स रायबरेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज मैं आप तक लेके आ रहा हूं बच्चों, एक एक चीज आप तक लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट एम्स रायपुर, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे होंगे, उन सभी का जेएनसी परिवार की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ एम्स जो है, छत्तीसगढ़ में कौन है, एम्स रायपुर 2012 में एस्टेब्लिश हुआ, और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरका, नितिन एम नागरका। हितेश, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जेएनसी सुपर सपोर्टर, ओके फाइन। एम्स रायपुर की बात करूं बच्चों, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, 2012 में एस्टेब्लिश हुआ, और वहां के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागर का डायरेक्टर है। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता तो मैं इस पूरा डाटा को आप तक डिलीवर कर रहा हूं, ओके फाइन। एम्स ऋषिकेश, जहां बहुत सारे जेएनसी परिवार के नर्सिंग ऑफिसर काम करें, बहुत सारे, आई थिंक मोर देन 150 होंगे, मोर देन 150 होंगे एम्स ऋषिकेश में काम करें जेएनसी से पढ़े हुए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उत्तराखंड, उत्तराखंड जन्नत का दूसरा नाम, उत्तराखंड एस्टैब्लिश हुआ 2012 में, और प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर रविकांत जो है वहां के डायरेक्टर हैं, उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, सभी को पता है एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर कौन है, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर रविकांत, ओके फाइन। हमने एम्स ऋषिकेश का भी विजिट कर लिया, अब आते हैं तेलंगाना, तेलंगाना देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में जो एम्स है वो कहां स्थित है, वो बीबी नगर में है, देखिए बीबी नगर ये जगह का नाम है, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना में पूछा जाए तो कहां है, बीबी नगर ये जगह का नाम है, ये रिसेंट ओपन हुआ है। दिस अर्पिता, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जेएनसी एक्सक्लूसिव फैन, वेलकम माय डियर, वेलकम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एस्टैब्लिश 2019 हुआ, विकास भाटिया यहां के, मिस्टर विकास भाटिया यहां के डायरेक्टर है तेलंगाना। जो भी बच्चे तेलंगाना से मुझे देख रहे हैं, एम्स के तेलंगाना एरिया के, तेलंगाना राज्य के जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनका मैं जेएनसी परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। एस्टैब्लिश हुआ 2019 रिसेंटली, और डायरेक्टर विकास भाटिया, कौन है वहां पर डायरेक्टर, विकास भाटिया, रामलाल गोदारा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके फाइन, ओके फाइन। हम तेलंगाना विजिट कर लिए, ये तो थे 15 एम्स, ये आपके 15 एम्स, जहां इस बार फतेह करके तिरंगा लहराना अपने को, आप और हम सबको मिलके। मैंने आपको लोकेशन बता दिया, ईयर बता दिया है, डायरेक्टर का नाम बता दिया है, बस तिरंगा आपको लेके जाना है, तिरंगा फहराना सेलेक्ट होकर के, 2020 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करनी आप और हम सबको मिलकर के। तिरंगा कहां लहराना है, इन सारे एम्स का लोकेशन आपको बता दिया है, चूज कर लीजिएगा सिलेक्शन के बाद, चूज कर लीजिए सिलेक्शन के बाद, ओके फाइन, ओके फाइन। विल गो फर्दर, हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। देखिए बच्चों, अपना डायनामिक प्रोफेशन है, और अपने प्रोफेशन को चलाने वाली बॉडीज को हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं।
अपने प्रोफेशन को चलाने वाले बॉडीज को हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन को कौन कौन सी बॉडी रन करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन प्रेसिडेंट है, कहां लोकेटेड है, एक और क्वेश्चन लेके आया हूं रेगुलेटरी बॉडी में से। एक क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन एम्स के हिस्ट्री में से बना, अब एक क्वेश्चन कहां से आएगा, रेगुलेटरी बॉडी से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, रेगुलेटरी बॉडी के लिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके फाइन विल गो। यहां मैंने लिखा आईसीएन, देखिए बच्चों यहां मैंने लिखा आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, आईसीएन जो है लगभग मैं आपको बता दूं 130 कंट्रीज को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, और ये मेडिकल का सबसे बड़ा प्रोफेशनल काउंसिल, ये भी बता देता हूं, चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, सबसे बड़ा काउंसिल है, दैट वी कैन से आईसीएन, दैट वी कैन से आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मैं ब्रिटेन में बताऊंगा आपको। उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हर कंट्री का जो होता है, इंडिया का जो कौन है, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद टीएनआई, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टीएनआई के बाद में एसएनए, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, देन माय डियर एसएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, गॉट इट एवरीवन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एसएनए, दैट इज आवर स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, टीएनआई, आईएनसी और आईसीएन, ये नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली, रेगुलेटरी बॉडीज है। ओके फाइन, अब हम एक एक के बारे में शॉर्टली जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरनेशनल काउंसिल, देखिए यहां पर मैंने लोगो भी साथ में पुट किया है, हो सकता है इमेज बेस में कुछ पूछा जाए, दैट यू आर गोइंग टू नो अबाउट दैट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आईसीएन। यहां पर एक लेडी का फोटो दिख रहा होगा, शी इज अ प्रेसिडेंट, ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आईसीएन। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आता है कि आईसीएन कब एस्टैब्लिश हुआ और आईसीएन कब फाउंड हुआ, बहुत आसान है, 1899 में आईसीएन जो एस्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको बताओ डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में, याद रखना इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। गॉट इट एवरीवन। और मैं स्पेशली बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट का नाम है एनेटी कैनेडी। देखिए शी इज, आप सोच सकते हो नर्सिंग प्रोफेशन में रेगुलेटरी बॉडीज का टॉप बॉडी जो है, और वहां पर सबसे टॉप की सीट पे फीमेल बैठे हैं, कौन बैठे हैं, फीमेल, यू विल रेस्पेक्ट एवरीवन, और इतने बड़े पद पे जिसका नाम क्या है, एनेटी कैनेडी। देखिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल आईसीएन, की प्रेसिडेंट कौन है, एनेटी कैनेडी, कब एस्टैब्लिश हुआ। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, 1899। ओके फाइन, अब हम आईसीएन के बाद से चलते हैं, एक चीज मैंने और पुट किया, मोर देन 130 नेशनल नर्सेज एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग मोर देन 20 मिलियन नर्सेज वर्ल्ड वाइड। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 20 मिलियन का मतलब थिंक अबाउट इट, ये रजिस्टर्ड नर्स, आईसीएन जो है ये कंट्रीज को रेगुलेट करती है, पर्टिकुलर कंट्रीज में उनकी नर्सिंग पर्टिकुलर काउंसिल होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट। ओके फाइन, विल गो फर्दर, आईएनसी, परमानेंट एमसीक्यू, नर्सिंग प्रोफेशन में परमानेंट एमसीक्यू आईएनसी से आता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप सभी को पता होना चाहिए इंडिया में नर्सिंग को रन करने वाली सबसे बड़ी काउंसिल कौन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखिए लोगो पुट किया बच्चों, लोगो साथ में देखते रहिएगा, इट मे बी कमिंग। देन इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है 31 दिसंबर, देखिए बच्चों 31 दिसंबर 1947 को एक्ट पास हुआ। यहां एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं क्लियर करना चाहूंगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक्ट जो है, एक्ट 31 दिसंबर 1947 को पास हुआ, और अपनी जो काउंसिल है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, 1949। यहां दो चीजें बच्चों, यहां कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर बच्चे 47 को याद रखते हैं, मैंने बताना चाहूंगा एक्ट पास हुआ 47 में जब अपना देश आजाद हुआ, और 49 में काउंसिल एस्टैब्लिश हो गई, गॉट इट एवरीवन, दोनों चीजों को ध्यान से देखना।
लगभग हम लोग 1700 क्रॉस कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, ये क्वेश्चन परमानेंट है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का परमानेंट क्वेश्चन है। एक आता है कभी कभी कि एक्ट कब पास हुआ, और एक आता है एस्टाब्लिश कब हुआ। तो एस्टाब्लिश 1949 हुआ, एक्ट 31 दिसंबर 1947 में पास हुआ, 31 दिसंबर 1947। ओके फाइन, आप सभी को पता है लोकेशन या हेडक्वार्टर फिर से न्यू दिल्ली, आईएनसी न्यू दिल्ली, डब्ल्यूएचओ न्यू दिल्ली, समझ में आ, आईएनसी डब्ल्यूएचओ और दिल्ली एम्स, तीनों ही नई दिल्ली में, तीनों ही न्यू दिल्ली में। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीके से याद रख सकते हो। ओके फाइन, ये आईएनसी से रिगार्डिंग है। शॉर्टली मैं आईएनसी बॉडी के मेंबर के बारे में बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, डॉक्टर टी दिलीप कुमार, डॉक्टर टी दिलीप कुमार काफी टाइम से ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट है। आई वॉज पुटिंग हियर डॉक्टर डी दिलीप कुमार, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि अपनी नर्सिंग की रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उनका प्रेसिडेंट कौन है। बिल्कुल हैप्पी, थैंक यू सो मच, उनके प्रेसिडेंट कौन है। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, डॉक्टर टी दिलीप कुमार। दूसरा क्या पूछेंगे कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर आशा शर्मा। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से, जहां पर आप लैकिंग कर जाते दो तीन एमसीक्यू। ओके फाइन, थर्ड मैंने पुट किया है सेक्रेटरी डॉक्टर सरबजीत कौर, डॉक्टर सरबजीत कौर, शी इज अ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहां पर भी देखेंगे मिसेस के एस भारती जॉइंट सेकेंडरी, महिलाओं को दबदबा यहां पर भी है, महिलाओं का दबदबा यहां पर भी देख लेना बच्चों। मेल जो है अकेले मेल है, प्रेसिडेंट है आशा शर्मा, सरबजीत कौर और मिसेज के एस भारती, ये टीम के मेंबर है। ये चार लोग पूरे इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को चलाते हैं, 4 मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से देखना, 4 लोग पूरे इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आंसर लिखना डॉक्टर टी दिलीप कुमार। ओके फाइन, अब हम फर्दर चलते हैं टीएनआई की तरफ, ट्रेन नर्स एसोसिएट ऑफ इंडिया। मैं आपको भी बताना चाहूंगा टीएनआई में अपन कब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जब अपना नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएनआई का मेंबर बनना चाहिए आपको। टीएनआई का मेंबर हम कब बनते हैं, जब कॉलेज लाइफ में हम लोग एसएनए के मेंबर होते हैं, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। एसएनए जैसे ही आपका नर्सिंग कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आया, तो आप टीएनआई की मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप टीएनआई के मेंबर बन सकते हो, जो पूरे इंडिया में ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, दैट मींस माय डियर टीएनआई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हर किसी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को टीएनआई की मेंबरशिप लेना चाहिए। 3800 रुपए इसके लगते हैं। ऑनलाइन जाके फॉर्म भर के फॉर्म को सबमिट करना है, एक रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी लगाना है, प्रिंसिपल की सील और साइन लगेगा, और एक एटीएम जैसा कार्ड मिलेगा, वो टीएनआई का मेंबरशिप कार्ड होगा। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी यहां मार्केट के अंदर घूमने वाले नर्सिंग ऑफिसर और गॉड फादर बड़े बड़े जो घूम रहे हैं, टीएनआई की मेंबरशिप भी नहीं होगी उनके पास। TNI की मेंबरशिप बहुत जरूरी है, दे आर मेंबर ऑफ ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके फाइन, TNI जो है ये 1908 में एस्टैब्लिश हुआ, 1908। मैं आपको बता दूं, लोगों में भी लिखा दिख रहा होगा 1908, लोगों में भी लिखा दिख रहा है 1908, 1908 में TNI एस्टैब्लिश हुआ। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में, ओके फाइन। प्रेसिडेंट यहां पर कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, ये रिसेंट बने हैं, बिल्कुल ट्विंकल सही बात, ये रिसेंट बने हैं। इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जहां से 3 से 4 एमसीक्यू आज हम कंफर्म करके जाएंगे दिल्ली एम्स के लिए। एस्टैब्लिश 1908, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में, और प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। ये अपने नर्सिंग प्रोफेशन को चलाने वाली रेगुलेटरी बॉडीज होती है। मैं बताना चाहूंगा जो टीएनआई है, टीएनआई स्कॉलरशिप भी देती है बच्चों, यदि आपने जीएनएम कर लिया, पोस्ट बीएससी करने जा रहे हो, अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट बीएससी कर लिया, एमएससी करने जा रहे हो, अप्लाई कर सकते हो, बट आपको टीएनआई की मेंबरशिप होना जरूरी है, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होना जरूरी है। ओके फाइन, ये तो बात होगी टीएनआई की। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद इस एसोसिएशन में भाग नहीं लिया होगा,
स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कॉलेज लेवल पे होता है, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कॉलेज लेवल पे होता है। कॉलेज में फाइनल ईयर के बच्चे इसके मेंबर होते हैं और SNA का प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो TNI का मेंबर है। वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, वही बन सकते हैं जो TNI का मेंबर है। दूसरी बात, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन का काम क्या होता है, कॉलेज के अंदर होने वाली हर को करिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करना, मंथ में लास्ट वीक में मीटिंग को कंडक्ट करना, ये जितने भी प्रोग्राम होता है, वेलकम, टीचर्स डे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब इस एसोसिएशन का काम होता है। बहुत शानदार तरीके से ये चलती है एसोसिएशन। तो आप सभी ने SNA फंड में पैसे दिए होंगे, बट आपको पता नहीं हो हमारे पैसे कहाँ है। हमेशा ध्यान रखना, SNA का अकाउंट ओपन होता है बैंक में, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, मेंबर होते हैं, चेक पे साइन होगा तब वो फंड निकलता है। और कभी भी कॉलेज में काम करते हो तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरती है। हमेशा SNA जो है ये कॉलेज लाइफ का बैकबोन होता है, कॉलेज लाइफ का बैकबोन होता है। ओके फाइन, देन स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन जो है ये किसके अंडर, ये क्वेश्चन आता है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ TNI किसके अंदर है, ये ट्रेंड नर्स एसोसिएशन के अंडर रन करता है। ट्रेंड नर्स एसोसिएशन, ध्यान रखना बच्चों, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर में रन कौन करता है, SNA, उसके अंडर में रन कौन करता है, SNA। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे SNA और TNI का मेंबर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कैरी ऑन करिएगा। तो ये ट्रेंड नर्स एसोसिएशन अंडर में रन करता है बच्चों, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ, 1929 में SNA। थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो मच, ये जो है एस्टैब्लिश हुआ 1929 में। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन JNC वार क्रॉसिंग 1720। क्या बात, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए हृदय से आपका शुक्रिया, भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे। ऐसा भी कब हुआ बच्चों, 1929। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो सिलेक्शन श्योर करेगी। हम धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के करीब जाते जा रहे हैं। इससे अच्छा पांचवे जो आप लोगों ने और आपने मिल JNC ने मिलकर बनाया कभी नहीं हो सकता है। बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन है। आप इंडिया और अब्रॉड में कहीं भी बैठे हैं, आपको बताना चाहूंगा अब्रॉड के बहुत सारे बच्चे JNC ऑनलाइन में पढ़ते हैं। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन है कि वी आर कम्युनिकेट ईच अदर टू मेक पाथवे, वी रन ऑन द पाथवे टिल रीच टू द डेस्टिनेशन, टिल रीच टू द डेस्टिनेशन। ओके फाइन, SNA हम पढ़ रहे थे। अब SNA के बाद में शॉर्टली आपको बता दूं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मैं स्टेट का एक एग्जांपल लिया बच्चों, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है 1964 में एस्टैब्लिश हुआ। हर स्टेट की अलग काउंसिल होती है। दिल्ली में जाओगे DNC मिलेगा, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, पंजाब में जाओगे PNC मिलेगा, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, गुजरात में जाओगे गुजरात नर्सिंग काउंसिल। हर जगह स्टेट की अलग अलग काउंसिल होता है, हर जगह स्टेट की अलग अलग काउंसिल होता है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने पुट किया है, देखिए अब एक एक बारीकी से क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सीधे क्वेश्चन है, ये सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है। शिल्पा शेट्टी कौन नहीं जानता, शिल्पा शेट्टी 2018 में इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अभी भी है करंट ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत मिशन। ये मोदी जी का कथन है, ये मोदी जी का MCQ जो दिल्ली एम्स में आएगा। ध्यान रखना कि स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड, पहले अमिताभ बच्चन थे, पहले अमित जी थे, पहले माननीय अमिताभ बच्चन थे, अभी शिल्पा शेट्टी है, अभी शिल्पा शेट्टी है। कौन नहीं जानता शिल्पा शेट्टी को, एवरीबॉडी नो वेरी वेल। तो शिल्पा शेट्टी जो है ये स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने पुट किया है डॉक्टर JR लिटिल फ्लावर, इसको हम नर्सिंग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं बच्चों, नर्सिंग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं बताना चाहूंगा इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नर्सिंग एडवाइजर का पद है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही, एक ही नर्सिंग एडवाइजर का पद है जहां पर डॉक्टर JR लिटिल फ्लावर, याद रखना लिटिल फ्लावर, JR लिटिल फ्लावर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कहां पर पोस्टेड है, नर्सिंग एडवाइजर की पोस्ट पे पोस्टेड है। गॉट इट एवरीवन, इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों। ओके फाइन, यूपी नर्सिंग काउंसिल नहीं बेटा, लखनऊ मेडिकल फैकल्टी है, यूपी में लखनऊ मेडिकल फैकल्टी, ध्यान से लिखिएगा। ओके फाइन, विल गो फर्दर, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देख रहे हैं।
सिस्टर मैरी बर्नार्ड फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स का क्वेश्चन आएगा, सिस्टर मैरी बर्नार्ड। याद रखिएगा क्या बात है, 1700 क्रॉस करते हुए बच्चे आगे बढ़, आज मुझे लगा आप 2000 क्रॉस करोगे, क्या बात है, इतना प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। उसके बाद मैंने पुट किया है बिलीव इन हॉस्पिटल ऑफ स्कूल नर्सिंग न्यूयॉर्क सिटी, इसको फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड कहा जाता है, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, दैट वी कैन से ब्लीव्यू हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी जिसको फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड कहा जाता है, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन वर्ल्ड कहा जाता है, गॉट इट। और दूसरा इंपॉर्टेंट हम इंडिया की बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ जनरल हॉस्पिटल मद्रास, इंडिया का फर्स्ट स्कूल, स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास। देखिए साउथ में, मद्रास में है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, गॉट इट एवरीवन ओके फाइन। यहां तीन चीजें मैंने बताया, सिस्टर मैरी बर्नार्ड को फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स बोलते हैं, ब्लू हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग न्यूयॉर्क सिटी पहला नर्सिंग कॉलेज है, पहला नर्सिंग स्कूल है वर्ल्ड में, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास इंडिया में पहला नर्सिंग स्कूल है, जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने पुट किया है, देखिए 5 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवॉक्ड स्पेशल स्टेटस और लिमिटेड ऑटोनॉमी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आएगा, आपने देखा होगा लास्ट 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है कि 370 जो एक्ट था वो कब हटा। ये जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं जो रिसेंट आपसे पूछा जा सकता है। आपको आंसर क्या लिखना, 5 अगस्त बच्चों, कुछ ही दिन पहले का, एक साल पूरा हुआ है, 5 अगस्त, यस बिल्कुल 370 सुजाता बिल्कुल मैडी है। देन फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, ये रिसेंट अपडेट एमसीक्यू है, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इनोग्रेटेड इंडिया में कहां पर हुआ, ILBS हॉस्पिटल दिल्ली, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर माननीय केजरीवाल साहब ने किया था, पहला प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक आपसे पूछेंगे, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इनोग्रेटेड इन इंडिया July 2, 2020 ILBS, देखिए ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी, ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी, ये दिल्ली में है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं क्वेश्चन के और सिलेक्शन को और पास लेके जाती है अपने को, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से रखना, ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी एंड साइंस, ILBS दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ओपन हुआ है। एक क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया में, हाँ बिल्कुल, केजरीवाल साहब ने किया था फर्स्ट प्लाज्मा बैंक का इनोग्रेशन, गॉट इट एवरीवन, बहुत बढ़िया। वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, डॉक्टर हर्षवर्धन पे क्वेश्चन आएगा, देखना बच्चों, डॉक्टर हर्षवर्धन पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, मुझे पूरी उम्मीद है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब पे दो क्वेश्चन बनने लगे थे, पहले एक ही बनता था कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, यहां तक सीमित था, अब क्वेश्चन बन गया एक और, देखिए यहां मैंने लिखा है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एम्स के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला एमसीक्यू, सीधा पूछते हेल्थ मिनिस्टर, कुछ लोग लिख के आते हैं नरेंद्र मोदी, कुछ लोग लिख के आते हैं राहुल गांधी, बेटा जीके का नॉलेज रखना भी जरूरी है। चंद्रा सिंह, थैंक यू सो मच टू डोनेटिंग 40 rupees टू पुअर पीपल, दे कैन नॉट एबल टू डू द स्टडी इन जेएनसी फैमिली। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आएगा, चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO फ्रॉम 22 मई 2020, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस बार का है कि चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO कौन है,
इंडिया में डॉक्टर हर्षवर्धन कब बनाया? 22 मई 2020 को। कब बनाया? 22 मई 2020 को। इंपॉर्टेंट डाटा मैं शेयर कर रहा हूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ये जेएनसी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक चीज को आप तक डिलीवर करें, आप तक डिलीवर करें। सपना वर्मा थैंक यू सो मच। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन, चेयरपर्सन ऑफ WHO अगेन डॉक्टर हर्षवर्धन, 2020 22 मई को ये इलेक्टेड हुए थे, 22 मई को ये इलेक्टेड हुए थे। बिल्कुल एंजल चौधरी सही लिखा आपने, बिल्कुल एंजल चौधरी सही लिखा। ओके फाइन। अब हम चलते हैं नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में। अपने नर्सिंग प्रोफेशन में कौन कौन से नर्सिंग प्रोग्राम है, कब एस्टैब्लिश हुआ? अभी आप में से बहुत सारे मुझे वॉच करने वाले लोग GNM से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे BSc नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे MSc नर्सिंग किया होगा, बहुत सारे MBBS करे होंगे, बहुत सारे डॉक्टरेट किया होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं या नर्सिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, एटलीस्ट आपका कोर्स, आपका प्रोफेशन, आपने जो किया है उसका ईयर आपको पता होना चाहिए, उसका ईयर आपको पता होना चाहिए। बच्चों 1942 में ANM प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ 1942 में स्टार्ट हुआ। 1942 में ANM के बाद में GNM आया 1943 में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्टार्ट हुआ 19। जो बच्चे जिस कोर्स से किया हुआ बिल्कुल अपने आप को याद रखना होगा बेटा, GNM 1943 में। यहां मैंने लिखा आर्य के, देखिए राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में प्रेजेंट है, साकेत के पास में है, दिल्ली में है आर्य के कॉलेज, ये नर्सिंग का स्टार्टिंग का कॉलेज है दिल्ली में। हर प्रोग्राम को पहले यहां इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम लॉन्च कहां से था? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रोग्राम आने के बाद पहले इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट होने के बाद फर्दर जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे BSc GNM सारे प्रोग्राम जो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कंडक्ट किए जाते हैं 1943 में GNM आर्य के दिल्ली में। Then my loving future nursing officer, आपका अपना BSc nursing 1947 जब INC का एक्ट पास हुआ, जब INC का एक्ट पास हुआ तो BSc nursing आर्य के कॉलेज में स्टार्ट हो गया था। बच्चों याद रखने का तरीका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास हुआ उसी समय BSc नर्सिंग जो है that will be getting okay fine बच्चों। नेक्स्ट मैंने पुट किया 1947 में INC एक्ट पास हुआ, देन 1949 में INC एस्टैब्लिश हो गया, देन बच्चों 1959 में MSc नर्सिंग मास्टर इन नर्सिंग स्टार्ट हुआ, ये भी आर्य के कॉलेज में मास्टर, ये भी आर्य के कॉलेज में स्टार्ट हुआ बच्चों 1959 के बाद में 1963 में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर लिया या कर रहे होंगे, आपका कोर्स 1963 में स्टार्ट हुआ, और ये भी वेरियस इंस्टीट्यूट, जहां पर आर्य के तो होगा, CMC वैलूर होगा, CMC लुधियाना होगा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट था जहां एक साथ स्टार्ट हुआ। देन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर MPhil जो है 1986 में स्टार्ट हुआ, ये भी आर्य के कॉलेज दिल्ली में स्टार्ट हुआ 1986 में। देन PhD, देन PhD अगेन आर्य के में 1992। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, एक आएगा कि BSc नर्सिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, when will be started, और मे बी GNM का पूछा जा सकता है। इन सभी में ये अपने दोनों पढ़ लिया BSc नर्सिंग वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एटलीस्ट देर आस्किंग व्हेन द BSc नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड यू शुड पुट 1947। गॉट इट एवरीवन? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चों, जो भी रनिंग BSc नर्सिंग में है, आप सभी का JNC परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपकी फैमिली आपका इंतजार करेगी, फटाफट नर्सिंग पूरा करिएगा ताकि हम आपको अपने मिशन तक पहुंचाने में मदद कर सके। ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने पुट किया शॉर्टली WHO पे क्वेश्चन बनता है, यहां पर वो बताना इसलिए जरूरी था, वैसे कम्युनिटी में आप WHO पढ़ोगे डिटेल में, WHO है वर्ल्ड हेल्थ और अर्पिता, बिल्कुल बेटा तैयार हो जाइएगा, आने वाले टाइम आपको JNC परिवार में पहुंचना है और गवर्नमेंट जॉब तक जाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टैब्लिश और फाउंडेड 7 अप्रैल, सभी को पता है, बट 1948 हुआ था, 1948 में 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है बच्चों 7 अप्रैल। देखिए हम बात करें 8 मार्च की, तो ये महिला दिवस होता है, वुमेंस डे होता है,
महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, वुमेन्स डे। बच्चों यदि मैं बात करूं 1 दिसंबर की बात करूं तो एड्स डे, 1 दिसंबर की बात करूं तो एड्स डे मनाया जाता है, 1 दिसंबर एवरी ईयर। यदि मैं बात करूं 29 सितंबर की बच्चों तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे बताया जाता है, 29 सितंबर की बात करूं वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आप बताओ होगा डायबिटीज मेलिटस का डे और चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, 14 नवंबर, यस 14 नवंबर, 14 नवंबर जो है क्या मनाते हैं, डायबिटीज डे मनाएंगे, 14 नवंबर जो डायबिटीज डे मनाएंगे और 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन को श्योर करेगी बच्चों, छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन को श्योर करेगी। 14 नवंबर को दो डे हैं, डायबिटीज डे है, चिल्ड्रंस डे है, 8 मार्च को बच्चों वुमेन्स डे है, 1 दिसंबर को एड्स डे है, 29 सितंबर को हार्ट डे है। देखिए बच्चों 29 सितंबर को हार्ट डे है, देन 12 मई को हम क्या मनाते हैं, 12 मई को हम क्या मनाते हैं, नर्सेस डे, और सबसे इंपॉर्टेंट 28 जून को JINC डे बच्चों, 28 जून को JINC डे है, ये हर साल मनाते हैं 28 जून को JINC डे सेलिब्रेट होता है। ये आपके JNC परिवार के नॉलेज के बारे में बता रहा हूं, 28 जून को JINC डे, नेवर फॉरगेट, एवरी ईयर 28 जून वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूडिंग मॉडलिंग, उसके अलावा डांस, स्किप, देन इवन सिंगिंग, शानदार प्रोग्राम होता है हर साल JNC में 28 जून को। याद रखना JNC डे मनाया जाता है बच्चों, JNC डे, क्या बात है, आप सभी को पहले से याद है, बहुत बढ़िया। हम फर्दर चलते हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ के नाम से थीम WHO ने जनरेट किया था, ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ, ये थीम था WHO के द्वारा 2020 का। ओके, अब हम जाते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नर्सिंग प्रोसेस, जहां पर एक क्वेश्चन बनता है। हम नर्सिंग प्रोसेस को शॉर्टली पढ़ेंगे, फिर नर्सिंग प्रोसेस में बनने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बनते हैं नर्सिंग प्रोसेस पे, हम एक एक टॉपिक को लेके फंडामेंटल को कंप्लीट करेंगे। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, हम एक टॉपिक का नाम लिख के नहीं बोल सकता हूं कंप्लीट हो गया या खोल के रख दिया, बस उस टॉपिक तक पहुंचना है और उस टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चन आप तक डिलीवर करना है। चाहे क्लास मुझे 6 घंटे की जगह 8 घंटे लेनी पड़े, 10 घंटे लेनी पड़े, JNC टीम विल बी रेडी, बट एस्केप नहीं करेंगे। इस शानदार क्लैपिंग लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि JNC शॉर्टकट नहीं अपनानी है, JNC को सिलेक्शन चाहिए, बहुत प्यार करते हैं हम सिलेक्शन से। यदि जो बच्चा हमसे जुड़ा है वो सेलेक्ट हो, उसके घर में खुशियां आए, ये हमारा तोहफा होगा, ये हमारा रिवर्स गिफ्ट होगा। तो विशेष इस चीज का ध्यान रखना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, एक जगह टिक के पढ़ो, मार्केट में राखी सावंत बहुत मिलेगी बेटा, एक जगह टिक के पढ़ो और आपको जहां क्वालिटेटिव चीजें मिल रही है वहां ज्वाइन करो, सिलेक्शन लो। कुछ लोग हैं अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा करें वहां पढ़े, जरूरी नहीं आप JNC में पढ़े, जहां भी पढ़े जो अच्छा करें, जो क्वालिटेटिव स्टडी दे वहां पढ़े। ओके फाइन। नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का मतलब होता है इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू डिलीवर केयर टू द इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी को केयर डिलीवर करने का स्टेप्स होता है। ओके फाइन। पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आता है, पहला ही क्वेश्चन कि किसने दिया नर्सिंग प्रोसेस, किसने दिया, देखिए वॉज गिवन बाई लिडिया हॉल, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। लिडिया हॉल, शी वॉज गिवन द ईयर ऑफ 1955। लिडिया हॉल ने नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन किया, नर्सिंग प्रोसेस को दिया। अब मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले कुछ लोगों ने ट्राई किया था, सॉरी इसके बाद में, लिडिया हॉल ने जब नर्सिंग प्रोसेस दिया तो एक इड्डा जीन ऑरलैंडो 1958 में इसने फोर स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस दिया। फोर स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, एक होता बच्चों असिस्मेंट,
एक होता है बच्चों असिस्मेंट, दूसरा है डायग्नोसिस, दूसरा है डायग्नोसिस, तीसरा है इंप्लीमेंटेशन, तीसरा है इंप्लीमेंटेशन, और चौथा है बच्चों इवेल्युएशन, चौथा है बच्चों इवेल्युएशन। ये चार स्टेप्स आए थे। ये चार स्टेप्स किसने दिया? इड्डा, जीन, ऑरलैंडो ने दिया। फोर स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस कब दिया? 1958। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हु वाज गिवन नर्सिंग प्रोसेस, तो आपको आंसर क्या लिखना है? लिडिया हॉल लिखना है। लिडिया हॉल ऑप्शन नहीं है, लिडिया हॉल ऑप्शन नहीं है बच्चों, तो आपको आंसर क्या लिखवाना? इड्डा, जीन, ऑरलैंडो। देखिए बच्चों नाम याद करने पड़ेंगे, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। कुछ इजी नाम यहां पर राम श्याम नहीं होगा बेटा, यहां बड़ा खतरनाक नाम है इड्डा, जीन, ऑरलैंडो, है ना? शी वाज गिवन। ओके फाइन, ओके फाइन। इसके बाद में थोड़ा और आगे मॉडिफाइड हुआ और 1963 में वाइटन बैच, 1963 में पांच स्टेप दे दिए, पांच स्टेप दे दिए। देखिए यहां एक ऐड कौन सा हो गया बच्चों? यहां प्लानिंग ऐड हो गया। यहां ऐड क्या हो गया? यहां प्लानिंग ऐड हो गया। ये प्लानिंग वर्ड यहां पर ऐड हो गया। तो ये पांच स्टेप किसने दिया? वाइटन बैच ने दिया। कब दिया? 1963 में दिया। फाइव स्टेप। नरेश थैंक यू सो मच डियर टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन जेएनसी फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। ओके फाइन, लिडिया हॉल 1955 में, इड्डा जीन ऑरलैंडो 1958 में। सीधा आपको पूछेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस वाज कोइंड बाय, गिवन बाय, आंसर क्या लिखना? लिडिया हॉल। आंसर क्या लिखना बच्चों? लिडिया हॉल। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। अब बात आती है नर्सिंग प्रोसेस, जब हम पढ़ रहे हैं एक टर्म्स पे क्वेश्चन बनता, नंदाज डायग्नोसिस। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी बुक प्रीफर की होगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में लिपिन कोड पढ़ा होगा, जोसियन ब्लैक पढ़ा होगा, इवन ब्रूनर पढ़, सिद्धार्थ एंड ब्रूनर पढ़ा होगा, बड़ी मेडिकल सर्जिकल की बुक आपने पढ़ी होगी। हर के बीच बड़ा सा पेज लगा होता है और कहते हैं नंदाज डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, नंदाज डायग्नोसिस। इतना ही अपन जानते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने लग गए बच्चों। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ नंदा। और मैं बता देता हूं आपको, वाज ऑफिशियली फाउंडेड 1982। ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है, ऑफिशियली जो है 1982 में फाउंड हुआ है, 1982 में फाउंड हुआ है। ये रिसेंट है, ये रिसेंट है, दैट इज नंदाज डायग्नोसिस। एवरी, यहां जितने भी टीचर पढ़ रहे हैं वो भी बच्चों को प्रीफर करते हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी बच्चों को प्रीफर करते हैं कि आप जाओ नंदाज डायग्नोसिस देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लग गए, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हेन विल बी एस्टैब्लिश, व्हेन विल बी एस्टैब्लिश। याद रखिएगा बच्चों, नंदाज डायग्नोसिस, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, वॉज ऑफिशियली फाउंडेड 1982। ओके फाइन, ओके फाइन, शाबाश, विल गो फर्दर। हम बात कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस की। देखिए जानना बहुत जरूरी है, नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग केयर प्लान। फाइलें बहुत बनाई होगी आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने फाइलें बनाई होगी, बहुत बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया होगा, फाइल पे नाम चेंज करके एग्जाम दिया होगा। बट जब आप टीचर बन गए थे तो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उस समय तकलीफ होती है। आज मैं शॉर्टली बता दूंगा नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग केयर प्लान क्या है। शॉर्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, शॉर्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके फाइन डियर, फेजेस, स्टेप्स, तीन चीजें मैंने लिखा है। देखिए फेजेस, स्टेप, एलिमेंट को बोलते हैं घटक, हिंदी में इसको घटक बोलते हैं। हम बात करें यदि हम बात करें नर्सिंग प्रोसेस की, देखिए बच्चों हम यदि बात करें नर्सिंग प्रोसेस की बच्चों, तो नर्सिंग जो प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ फाइव स्टेप्स, कंसिस्ट ऑफ फाइव। चंद्रशेखर थैंक यू सो मच टू डोनेटिंग इन द जेएनसी अकाउंट। देखिए फेजेस की बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस में पांच एलिमेंट्स होते हैं, और वही यदि मैं बात करूं बच्चों नर्सिंग केयर प्लान, वही मैं यदि बात करूं बच्चों नर्सिंग केयर प्लान, तो कितने स्टेप्स होंगे? सेवन। ये दो चीजें क्लियर हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गया। यदि आप यहां बिल्कुल नवीन घटक बोलते हैं बेटा सुजाता, ये हिंदी के वर्ड है, कभी कभी आपको मजा आता है ऐसे वर्ड बोलने में। नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फाइव स्टेप्स, नर्सिंग केयर प्लान कंसिस्ट ऑफ सेवन स्टेप। दो चीजें यहां पर क्लियर हो गया, दो चीजें यहां पर क्लियर हो गया। यदि हम बात करें फाइव स्टेप में, तो सबसे पहले कौन होगा बच्चों? असिस्मेंट। सबसे पहले कौन होगा? असिस्मेंट, असिस्मेंट। दूसरा कौन होगा? नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरा कौन होगा बच्चों? प्लानिंग,
तीसरा कौन होगा बच्चों? प्लानिंग, या हम इसको इंटरवेंशन बोल सकते हैं, हम इसको इंटरवेंशन बोल सकते हैं। हम चौथे की बात करें बच्चों तो क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन। क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन। और अब पांचवे स्टेप की बात करें बच्चों, इवेल्युएशन। क्या होगा बच्चों? इवेल्युएशन। देखिए हियर वी हैव फाइव एलिमेंट्स, हियर वी हैव फाइव, निशा फाइव एलिमेंट्स हियर, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग और इंटरवेंशन, देन इंप्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। क्वेश्चन आए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी फेजेस, आंसर क्या लिखना? पांच। आंसर क्या लिखना? पांच। अपना जेएनसी, थैंक यू सो मच डियर, आपको आंसर क्या लिखना? फाइव। ओके फाइन। नर्सिंग केयर प्लान में दो चीजें ऐड हो जाती है, गोल और रैशनल। गोल और रैशनल दो ऐड हो जाता है क्योंकि हम नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट पे इंप्लीमेंट करते हैं, पेशेंट पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो गोल भी जरूरी है, रैशनल भी जरूरी है। वहां दो चीजें ऐड हो जाएगा, वहां दो चीजें ऐड हो जाएगा। देखिएगा नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो यहां असेसमेंट यहां पर भी रहेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस यहां पर भी रहेगा, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? गोल। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? गोल बच्चों। थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? गोल। देन फोर्थ नंबर पे कौन रहेगा? प्लानिंग रहेगा। फिफ्थ नंबर पे क्या रहेगा? प्लानिंग के बाद में। पांचवे नंबर पे ऐड क्या हो जाएगा? रैशनल। यहां क्या ऐड हो जाएगा बच्चों? रैशनल। और फिर सिक्स नंबर पे कौन आ जाएगा? इंप्लीमेंटेशन। और सेवंथ नंबर पे कौन आ जाएगा? इवेल्युएशन। दो पॉइंट मैंने ऐड किया है, दो पॉइंट मैंने ऐड किया, ध्यान से देखिएगा, दो चीजें मैंने ऐड किया है। यहां गोल जो है वो नया ऐड हुआ है, रैशनल जो है वो नया ऐड हुआ है। मैं सबका मीनिंग बताऊंगा शॉर्टली आपको, सबका मीनिंग बताऊंगा शॉर्टली आपको। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? यहां पांच स्टेप मैंने नर्सिंग प्रोसेस के बताए, नर्सिंग केयर प्लान के आपको सेवन स्टेप बताए, नर्सिंग केयर प्लान के सेवन स्टेप बताए, और सेवन स्टेप में मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों? गोल ऐड कर दिया और रैशनल ऐड कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग केयर प्लान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, क्या आंसर लिखोगे? सेवन। नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स, क्या आंसर लिखोगे? फाइव। यहां तो कोई क्वेरी, यहां तो कोई क्वेरी नहीं। ओके फाइन, विल गो फर्दर। हमने यहां स्टेप्स और फेजेस की बात की, स्टेप और फेजेस की बात की। एक चीज में और क्लियर कर देता हूं, एक चीज में और क्लियर कर देता हूं। यहां हमने एक टर्म्स पढ़ा था गोल। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं असेसमेंट डायग्नोसिस सबका मीनिंग आपको शॉर्टली बता देता हूं, फिर मैं फर्दर आगे जाकर के एमसीक्यू पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा। यदि हम बात करें फेजेस का, सबसे पहले मैं पुट करता हूं असेसमेंट, सबसे पहले मैं पुट करता हूं बच्चों असेसमेंट। देखिए असेसमेंट में दो चीजें आती है, असेसमेंट एक हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट एक हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा बच्चों, और ऑब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम है ओवर्ट। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों? ओवर्ट। ऑब्जेक्टिव डाटा को हम क्या बोलते हैं? ओवर्ट। याद रखना ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से याद रखना ओवर्ट, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होता है? व्हाट वी आर ऑब्जर्व, व्हाट वी आर ऑब्जर्व, हम पेशेंट में जो ऑब्जर्व करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव दूसरा हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, दूसरा हम पढ़ते हैं यहां पर सब्जेक्टिव डाटा, दैट यू कैन सी एवरीवन। दूसरा बच्चों यहां पर पढ़ते हैं सब्जेक्टिव डाटा, और सब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम होता है बच्चों कोवर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोवर्ट। सब्जेक्टिव का मतलब व्हाट पेशेंट कैन सेज, व्हाट पेशेंट कैन सेज, पेशेंट जो कंप्लेन करता है, पेशेंट जो प्रॉब्लम बताता है, पेशेंट जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। व्हाट वी कैन से, ऑब्जेक्टिव। और मैं यहां बता देता हूं, आपने सुना होगा बच्चों टिनिटस, आपने सुना होगा बच्चों टिनिटस, और ये काम मैंने बताया था मैनियस डिजीज में पढ़ाया था, मैनियस डिजीज में पढ़ाया था, और टिनिटस में मैंने बताया था ये सब्जेक्टिव डाटा है, ये सब्जेक्टिव डाटा। यदि आपने क्लास अटेंड की होगी तो यू नेवर फॉरगेट, थैंक यू सो मच अजय चौधरी जेएनसीएन। यदि आपने क्लास अटेंड की होगी बच्चों यू नेवर फॉरगेट। देखिए टिनिटस जो है ये मैनियस डिजीज का सिम्टम है, ट्राइड सिम्टम हम पढ़ते हैं, और ये किसका एग्जांपल है? सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को मतलब व्हाट वी आर ऑब्जर्व, सब्जेक्टिव मतलब व्हाट पेशेंट कैन सेज, व्हाट पेशेंट कैन सेज, दोनों का दूसरा नाम। और ये दोनों मिल करके हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा किसमें आता है? असेसमेंट में। डाटा किसमें आता है बच्चों? असेसमेंट में। तो पहली चीज है क्लियर, पहली चीज क्लियर। अब मैं यहां पर दूसरा स्टेप पुट करता हूं, यहां पर दूसरा स्टेप पुट करता हूं। आई होप कि इजी टू रिमेंबर, आई होप कि इजी टू रिमेंबर। नर्सिंग प्रोसेस की बात करें हम लोग, नर्सिंग प्रोसेस की बात करें यहां पर तीन चार क्वेश्चन भी आपको मैं बताता जाऊंगा साथ में। हम लोग पढ़ रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान। यहां मैंने आपको क्या बताया बच्चों? यहां मैंने आपको बताया असेसमेंट। क्या देखा आपने? असेसमेंट। असेसमेंट में मैंने आपको क्या बता दिया? एक मैंने बता दिया सब्जेक्टिव, एक आपको बता दिया सब्जेक्टिव डाटा,
और दूसरा मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव डाटा, क्या बताया ऑब्जेक्टिव डाटा। आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगा डाटा कलेक्शन जब करते हैं प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा, लेटर आई विल डिस्कस, लेटर आई विल डिस्कस। दूसरा स्टेप क्या बच्चों, नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा स्टेप क्या बच्चों, नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस का मीनिंग बता देता हूं, नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट, इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट ऑफ पेशेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। जो पेशेंट को प्रॉब्लम है और जो पेशेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअल का मतलब जो है, पोटेंशियल का मतलब जो हो सकती है, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम का क्लिनिकल जजमेंट। क्लिनिकल का मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा, ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा, इन डाटा के बिहाफ पे जो क्लिनिकल जजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंपल नर्सिंग डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है, इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट ऑफ पेशेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में कौन आता है बेटा, गोल। कौन आता है, गोल। यहां एक कहानी शॉर्टली आपको बता देता हूं, ये आपकी काम की है, बहुत डिस्टर्ब होते होंगे आप, कभी देखा होगा गोल क्या होता है, कभी एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक टर्म्स हम पढ़ते हैं गोल, एक हम पढ़ते हैं एम्स, एक हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, और सबको एक ही तराजू से तोलते हैं, सबका मीनिंग एक ही मान के चलते हैं, ये तो सबको पता होगा। मैं फटाफट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तीन चीजें, गोल का मीनिंग क्या होगा, एम्स का मीनिंग क्या होगा, एंड ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होगा। ऑब्जेक्टिव मीनिंग, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, देखिए when you are taking admission in the BSc nursing, when you are taking admission into the ZNM, when you are taking admission into the ANM, जब आपने इन कोर्स में एडमिशन लिया, ध्यान से देखिए, तीनों का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। ये तीनों कोर्स किसके हैं, नर्सिंग के, तीनों कोर्स किसके हैं, नर्सिंग में। जैसे ही आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया तो आपका गोल क्या था, जैसे ही आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया बच्चों उस समय आपका गोल क्या था, गोल को क्या बोलेंगे बेटा, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, लास्ट डेस्टिनेशन, एंड रिजल्ट बोल सकते हैं, लास्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, लास्ट डेस्टिनेशन, इसको हम लास्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, लास्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, या इसको हम एंड रिजल्ट बोल सकते हैं, या फाइनल आउटकम बोल सकते हैं, या फाइनल आउटकम बोल सकते हैं, दैट इज योर गोल। आप फटाफट सोचो और बताओ, जब आप नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री लिया था उस समय आपका गोल क्या था, आपका गोल क्या था बच्चों, आप सभी का गोल क्या था, आप सभी का गोल था गवर्नमेंट जॉब, आप सभी का गोल क्या था, गवर्नमेंट जॉब। मैं क्लियर बता देता हूं, कोई भी बच्चा सोशल सर्विस करने नहीं आया था, कोई भी बच्चा सोशल सर्विस करने नहीं आया था, सबका एक ही गोल था, सबका एक ही गोल था गवर्नमेंट जॉब। क्या गोल था, गवर्नमेंट। और आज भी वही है, आज भी वही है, मैं बताऊंगा आप कहां भटक गए हो, आज भी आपका गोल वही है, आपका गोल क्या है, गवर्नमेंट जॉब। और इस गोल को पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए आपने क्या किया, एडमिशन लिया नर्सिंग में, उस समय आपने गोल बनाया, और आप सबका गोल क्या था, गवर्नमेंट जॉब या एम्स। गॉट इट एवरीवन। सबका गोल था गवर्नमेंट जॉब या एम्स, ओके फाइन। तो गोल का मीनिंग क्या बच्चों, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट, फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम। अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, ये सबका है, ये सबका है, ओके फाइन। अब इस गोल को पाने के लिए जो एक्टिविटी हम करेंगे, इस गोल को पाने के लिए जो एक्टिविटी हम करेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। सपोज आपको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है पहले फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, फिर सेकंड ईयर करना पड़ेगा, फिर थर्ड ईयर करना पड़ेगा, फिर फोर्थ ईयर करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दीज आर द एक्टिविटी, दीज आर द एक्टिविटी, द एक्टिविटी क्या, दैट इज ऑब्जेक्टिव। व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग यू शुड मेक योर ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। तो आपने जो एक्टिविटी प्लान किया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। और इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करके और गोल तक पहुंचना, दैट इज योर एम, दैट इज योर एम। तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है। पहला आपने गोल क्या बनाया, गवर्नमेंट जॉब, गोल क्या बनाया, गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बनाया। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, सिस्टमैटिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सप्लीमेंट्री के बिना पास होना, सप्लीमेंट्री के बिना पास होना, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे तो आप कहां जाने वाले थे, गोल। और इसको सिस्टमेटिक कंप्लीट करना क्या कहलाता, एम्स कहलाता है, क्या कहलाता है, एम कहलाता है। तीन चीजें, एंड रिजल्ट, गोल,
एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, बिना सप्लीमेंट कंप्लीट करना, बिना रुकआउट कंप्लीट करना, वो आपका क्या होता है? एम होता है। वो आपका क्या होता है? एम होता है। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे कहां कहां, बता देता हूं, अब इनके बीच में और गोल के बीच में अभी आप सभी हो, अभी आप सभी हो, अभी आप सभी कहां पर है? ऑब्जेक्टिव और गोल के बीच में। अब यहां पर क्या आता है बच्चों? यहां पर डाइवर्शन आता है, यहां पर डाइवर्शन आता है, माइंड जो है भटकता है, माइंड जो है भटकता है। कैसे भटकेगा? कभी कभी क्या होगा, आप सीधे जॉब जैसे नर्सिंग कंप्लीट होते काम भागते हो, प्राइवेट जॉब में काम भागते हो, प्राइवेट जॉब में जहां 5,000 और 7,000 सैलरी मिलती है, कहां भागते हो? प्राइवेट जॉब में। वन ऑफ द डाइवर्शन टू फेल टू रीच योर गोल, ये एक डाइवर्शन है आपको गोल तक पहुंचने से भटकाने का। प्राइवेट जॉब में भागते हो, क्या होता है? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 सैलरी, कबल डबल ड्यूटी, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, कभी महीने की छुट्टी नहीं ली, 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। याद रखना बच्चों, याद रखना, 30 साल के बाद, 30 ईयर के बाद, जब आपकी एज 30 ईयर कंप्लीट हो जाती है, तो गवर्नमेंट भी आपको नहीं बुलाएगा और प्राइवेट में भी आप क्या होंगे? बंधुआ मजदूर बन जाओगे, बंधुआ मजदूर। यदि आपने यहां से डाइवर्शन अपना लिया, ये लालच जो है, ये लालच आपको गोल तक पहुंचने से रोकेगा, ये लालच आपको गोल तक पहुंचने से रोकेगा। तो नेवर ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड, क्योंकि 30 साल की जो एज होती है, कुछ कर गुजरने की एज होती है, 30 साल के बाद रिस्क नहीं ले पाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल की फीस होगी, मां बाप बूढ़े हो जाएंगे, मकान का किराया, दूध का पैसा, आपको महीने महीने कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, और सिर्फ तनखा से सिर्फ गुजारा भत्ता चलेगा, और कभी भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बोल सकता है कल से मत आना, कभी भी बोल सकता है कल से मत आना, फिर क्या करोगे? दर दर की ठोकरें खाओगे। तो ये एक डाइवर्शन है, आपको यहां नहीं जाना है, आपको यहां नहीं जाना है, किसी भी शर्त पे प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है। दूसरा, दूसरा मैरिज हम बोल सकते हैं, हम नहीं कहते कि डाइवर्शन है, बट कभी कभी ये डाइवर्शन हो सकता है। तो मैरिज जो शादी भी आप कोशिश करो, सिलेक्शन के बाद करो, तो आप जिंदगी को खूबसूरती से जी सकते हो। उसके अलावा कुछ वो बच्चे, मुझे जबरदस्ती नर्सिंग में भेज दिया, मेरा तो मन ही नहीं था, वो बच्चे भी क्या होते हैं? कोई एलडीसी का एग्जाम देता है, कोई पटवारी का एग्जाम देता है, नर्सिंग करने के बाद में पुलिस की भर्ती में जाता है, क्या जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वो दूसरा डाइवर्शन होगा। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी क्या करती है? आपको गोल तक पहुंचने से रोकती है, गोल तक पहुंचने से रोकती है। तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? आपका फोकस सीधा आपके गोल पे होना चाहिए, जो गोल जब नर्सिंग प्रोफेशन में आप आए थे उस समय जो बनाया था वहां होना चाहिए, जिस गोल को लेकर आप चल रहे थे वहां होना चाहिए, और उस गोल तक पहुंचाने के लिए आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आपके माता, आपके पिता, आपका जेएनसी परिवार आपके साथ खड़ा है। नेवर फॉरगेट, इन डाइवर्शन से बचना है, नजर कहां होनी चाहिए? गोल पे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप गाड़ी लेके कहीं निकलते हो, गाड़ी लेके कहीं निकलते हो, सपोज आपने 500 किलोमीटर जर्नी करना है, गाड़ी रास्ते में पंचर होती तो आप क्या करते हो? पंचर जुड़वाते हो, पेट्रोल खत्म होता तो क्या करते हो? पेट्रोल डलवाते हो। बट जब तक नहीं रुकते हो तब तक, कब? आप गोल तक, आप एंड रिजल्ट तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हो तब तक आप आराम नहीं करते हो। वही तरीका अपनी लाइफ में लेके आओ, वही तरीका अपने लाइफ में लेके आओ, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए खुद से। सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, आज आप मेरा खून निकाल के चेक करोगे तो ब्लड में जेएनसी के सेल मिलेंगे। इस तरीके से जियो, चीजें आपकी हो जाएगी और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो याद रखना माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गोल अभी भी अपना बाकी है, जो डाइवर्ट हो रहे थे रास्ते ब्लॉक कर दो, नजर आपका एंड रिजल्ट पे होना चाहिए, डेस्टिनेशन पे होना चाहिए। तो ये तीनों का डिफरेंस था, ये तीनों का डिफरेंस था। हम फर्दर चलते हैं, फर्दर कैरी ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन को। मैंने फेजेस में दो चीजें आपको क्लियर कर दी, दो चीजें क्लियर कर दी। पहला हमने देखा असेसमेंट, पहला हमने देखा असेसमेंट था बच्चों, दूसरा आपने देखा नर्सिंग डायग्नोसिस था, तीसरा यहां पर कौन आ रहा है? प्लानिंग। तीसरा यहां पर कौन आ रहा है? प्लानिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरवेंशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरवेंशन। देखिए बच्चों, प्लानिंग और इंटरवेंशन का मतलब होता है दैट द मेक स्ट्रेटजी, इसका मीनिंग क्या होगा? मेक स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब प्लान करना, प्लान करना। वो किसमें आएगा? प्लानिंग में। वो किसमें आएगा? प्लानिंग में। और यहां बीच में हमने क्या देखा था? अभी गोल देखा था, क्या देखा था? गोल। प्लानिंग के बाद में क्या आएगा बच्चों? रैशनल।
प्लानिंग के बाद में क्या आता है? रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होगा? जो आप प्लानिंग कर रहे हो क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग प्लानिंग, व्हाई यू आर डूइंग प्लानिंग, प्लानिंग करने का रीजन क्या है वो किसमें आएगा? रैशनल में। फिर क्या आएगा बच्चों? इंप्लीमेंटेशन। फिर क्या आएगा बच्चों? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? यहां जो प्लान किया उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां आपने क्या किया? मॉनिटर वाइटल साइन। यहां पे क्या आएगा? मॉनिटर्ड वाइटल साइन। मॉनिटर्ड का मतलब इंप्लीमेंट हो गया। यहां आएगा प्रोवाइड पोजीशन, यहां आएगा प्रोवाइडेड पोजीशन, मतलब थर्ड फॉर्म लगेगा, टेंस का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्रोवाइडेड पोजीशन आ जाएगा। देन लास्ट वाला यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन क्या है? एंड रिजल्ट। इवेल्युएशन क्या है? एंड रिजल्ट। यहां क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि वेयर यू विल टेक डिसीजन टू री इंप्लीमेंट, टू री प्लानिंग, तो आपको आंसर क्या लिखना? इवेल्युएशन। कहां आप डिसीजन लेते हो जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको आंसर लिखना इवेल्युएशन। तो ये शॉर्टली बताया मैंने, बहुत क्विक बताया है, एग्जाम पर्पज ऑफ जो चीजें वो बताइए, बाकी रेगुलर बेस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी। ओके फाइन, ओके फाइन, हम फर्दर जाते हैं, फेजेस अपने हो गए। नेक्स्ट मैंने पुट किया सोर्स ऑफ डाटा, यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों। नेक्स्ट मैंने पुट किया सोर्स ऑफ डाटा, यहाँ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, मैं फटाफट आपको बताते हुए चलूंगा। सोर्स ऑफ डाटा दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है प्राइमरी सोर्स। और याद रखना, प्राइमरी सोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, पेशेंट, खुद, पेशेंट इट सेल्फ। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी इंफॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स जो है वो कौन है? पेशेंट खुद। जो पेशेंट खुद बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे हु इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, आपको आंसर क्या लिखना? पेशेंट। आपको आंसर क्या लिखना? पेशेंट। यहां एक ट्विस्ट है बच्चों, यहां एक ट्विस्ट, ध्यान से सुनिएगा। यदि यदि यहां पर इन्फेंट है, यदि यहां इन्फेंट है, क्वेश्चन क्या आएगा? एक साल का बच्चा हॉस्पिटल में पेरेंट्स लेके आते हैं और बच्चे को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो वहां पर प्राइमरी सोर्स कौन हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। वहां पर प्राइमरी सोर्स कौन हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, तो आपको आंसर क्या लिखना? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको आंसर लिखना पेशेंट खुद। कंडीशन अप्लाई कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दिया, और आपको बताया कि पर्सन है वो एक साल के बच्चे को हॉस्पिटल लेके आया है और बता रहा है उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो वहां प्राइमरी सोर्स कौन हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स पेरेंट्स हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आता है। दूसरा, सेकेंडरी सोर्स की बात करें बच्चों, हम जब सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो सेकेंडरी सोर्स में कौन आएगा? पेशेंट की रिपोर्ट, पेशेंट की रिपोर्ट आएगा, पेशेंट का रिकॉर्ड आएगा, पेशेंट का रिकॉर्ड आएगा, देन फैमिली मेंबर आएंगे, देन फैमिली मेंबर आएंगे। ये कौन है बच्चों? ये सेकेंडरी सोर्स है। ये कौन है बच्चों? ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। पेशेंट का रिपोर्ट, पेशेंट का रिकॉर्ड और फैमिली इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें किसमें आएगी? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, आंसर क्या लिखोगे? पेशेंट। आंसर क्या लिखोगे? पेशेंट। यदि कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? आपको आंसर क्या लिखना होगा कंडीशन में? पेरेंट्स। दोनों चीजों का ध्यान है, दोनों चीजों का ध्यान है, या पेरेंट्स में भी फादर, क्या बात है चौहान किरण, मार खाओगे बच्चों। ओके फाइन, हम लोग फर्दर चलते हैं, सोर्स ऑफ डाटा हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लीज फोकस इट हाउ, व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यू विल बी कमिंग फॉर द नर्सिंग प्रोसेस। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट ओनली, मतलब पेशेंट से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहेंगे, देन टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा कहेंगे, देन ऑल ऑफ द अबव। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीवन, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू, यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप कंटिन्यू, कैरी ऑन, कैरी ऑन, यस, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। प्राइमरी सोर्स कौन है? प्राइमरी सोर्स कौन है? पेशेंट ओनली द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, where from where we are collecting, where we are collecting the data to getting information. Okay fine,
नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स इज अ रिवाइजिंग ए क्लाइंट्स केयर प्लान, ध्यान से देखना, ए नर्स इज अ रिवाइजिंग क्लाइंट्स केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप्स। देखिए क्वेश्चन को समझना बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, नर्स क्या कर रही है, रिवाइज कर रही है पेशेंट का केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप्स। देखिए मैंने आपको केयर प्लान में सात स्टेप्स बताए थे, केयर प्लान में सात स्टेप्स बताए थे आपको, ड्यूरिंग विच स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच ए रिविजन डिसीजन। रिविजन डिसीजन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, जब पेशेंट का केयर प्लान पूरा हो गया, आपने पेशेंट का एक क्या डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस क्या था, पेन था, गोल क्या था, टू रिलीज पेन था, आपने प्लानिंग किया, आपने इंप्लीमेंट किया और इवेल्युएशन में आपको रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला तो कमी कहां रह गई थी प्लानिंग में, तो अपन डिसीजन कहां लेंगे बच्चों, कौन से स्टेप्स पे डिसीजन लेंगे, कौन सा स्टेप्स आपको बता रहा है कि नीड टू टेक डिसीजन। यस अभी राइट आंसर आ रहा है, देखिए असेसमेंट नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा, कौन सा स्टेप है जहां पर यू आर एबल टू टेक डिसीजन टू रीप्लान, दोबारा प्लान करने का डिसीजन लेना है तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, डी, बहुत सही, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन नर्सिंग प्रोसेस का पूछा जाएगा एग्जाम में, विच इज द स्टेप्स नीड टू टेक डिसीजन टू रीप्लान। जैसे हम लोग सिलेक्शन के लिए अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं कमी थी, तो आपने डिसीजन क्या लिया कि जेआईएनसी ज्वाइन करना है, क्या करना, जेआईएनसी ज्वाइन करना है, और जब जेआईएनसी ज्वाइन किया तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया, एक एक उम्मीद जगी, एक गोल दिखने लगा और वो पूरा होने वाला भी है, बहुत जल्दी पूरे होने वाला, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द न्यूली एडमिटेड पेशेंट, द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस एडमिशन असेसमेंट इज कंडक्टेड प्राइमरी टू। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आपको समझना पड़ेगा, नर्स क्या परफॉर्म कर रही है बच्चों, असेसमेंट परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है बच्चों, असेसमेंट परफॉर्म कर रही है, न्यूली जो एडमिट हुआ उस पेशेंट का असेसमेंट लिया जा रहा है, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा भी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव डाटा भी है। ओके फाइन, नर्स अंडरस्टैंड दैट द एडमिशन असेसमेंट इज कंडक्टेड प्राइमरी, नर्स क्या देख रही है, एडमिशन असेसमेंट को कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, डायग्नोस इफ द पेशेंट इज एट रिस्क टू फॉल, इंश्योर दैट द पेशेंट स्किन इज इंटैक्ट, एस्टैब्लिश द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट डाटा। आंसर बताइएगा, असेसमेंट पेशेंट का किया जा रहा है और एडमिशन असेसमेंट प्राइमरली क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, पुट इट द राइट आंसर। यस, थैंक यू सो मच, आपका डिसीजन राइट था जेएनसी ज्वाइन करने का, और परिवार आपका बहुत बड़ा हो गया है, बहुत जिम्मेदारी आपको भी निभानी है, बिल्कुल बढ़िया, राइट आंसर बिल्कुल सही। इतने इजी क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं भाई, असेसमेंट कर लिया तो क्यों किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, वी विल गो एंड मेक द डायग्नोसिस, इतना सोचने वाली बात नहीं है। इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने पुट किया, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बच्चों, All are the steps of nursing process except, कितने steps थे, 5, 4 यहां पर जो है या 3 यहां पर जो है वो nursing process के steps होंगे, एक को छोड़ के। ध्यान से देखना बच्चों, assessment, diagnosis, goal, planning, कौन सा यहां पर nursing process का steps नहीं है, कौन सा नहीं है, फटाफट राइट आंसर पुट करेगा, कौन सा स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का नहीं है, ये पूछा है, बच्चों ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर पुट करो। शाबाश, आंसर पुट करिएगा, डी को लॉक कर दिया जाए, आंसर पुट करिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल आर द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट पूछा है, नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप्स पूछा, असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, गोल किस में आता है नर्सिंग केयर प्लान में, देखिए बच्चों मैं एक और डाल देता हूं यहां पर, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, अब पिक्चर क्लियर हो गई होगी, कौन सा नहीं, बिल्कुल यस, गोल जो किसका बताया था, गोल मैंने आपको नर्सिंग केयर प्लान में बताया था बच्चों। ओके फाइन, बहुत बढ़िया, शानदार पार्टिसिपेशन, हम अब फर्दर चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के पास में, इंफॉर्मेशन वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द क्लाइंट
पेशेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? पेशेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा की मीनिंग बताई थी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट वी आर ऑब्जर्व, सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट पेशेंट कैन सेज, जो मरीज बता रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। मैं आपको ऑप्शन पुट कर रहा हूं बच्चों, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, देन वैलिडेटिव डाटा, देन डॉक्यूमेंटेड डाटा। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीवन, व्हिच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा है? इंफॉर्मेशन वर्बलाइज स्टेटेड बाय द क्लाइंट, मरीज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वैलिडेटिव, डॉक्यूमेंटिंग। समझ आए? ये तो दोनों नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, शानदार आंसर, शानदार आंसर, यस यस। इसका मतलब आपको नर्सिंग प्रोसेस शॉर्टली पढ़ाया बट समझ में आ गया, बहुत शॉर्ट में पढ़ा आपने, बहुत शॉर्ट में पढ़ा, क्योंकि कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास होती है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा आपने। ओके ओके फाइन, सभी का राइट आंसर पुट कर दिया, सब्जेक्टिव डाटा। ओके, विल गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट, नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस। आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट, नर्स फॉर्मुलेट द फॉलोइंग डायग्नोसिस, प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफाई एज हाई लिस्टेड फर्स्ट। मैंने क्या किया है, डियर नर्स ने क्या किया है, डियर नर्स ने असेसमेंट कर लिया। अब आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाना है। मैंने यहां पर डायग्नोसिस पुट कर दिए, आपको उस डायग्नोसिस को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है। देखिएगा, मैंने 4 डायग्नोसिस लिखा है, आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले कौन सा जरूरी है, दूसरे नंबर पर कौन सा जरूरी है, तीसरे नंबर पर कौन सा जरूरी है, चौथे नंबर से कौन सा जरूरी है। देखिएगा, जब भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं, एक तरफ तो आता है पेशेंट प्रॉब्लम, बच्चों देखो, एक तरफ आता है पेशेंट प्रॉब्लम, दूसरी तरफ आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, दूसरी तरफ आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। सपोज पेशेंट को दर्द हो रहा है, ये पेशेंट की प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस क्या बना, पेन रिलेटेड, पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, तो डायग्नोसिस क्या बना, अल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। पेशेंट को क्या हो रहा है बच्चों, एंजाइटी हो रहा है, तो डायग्नोसिस क्या बना, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। पेशेंट को नॉलेज की कमी है, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, नॉलेज डेफिसिट, नॉलेज डेफिसिट, दैट इज अ वे हाउ टू मेक डायग्नोसिस। ओके फाइन, अब आपको क्या करना है, इन चारों डायग्नोसिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन दे दिया, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर से कौन आएगा। ध्यान से देखिए, कॉन्स्टिपेशन, एंटीसिपेट ग्रीविंग, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। अब सबसे पहले एक नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, दुख को तो बाद में ही बांट लेंगे, दुख को तो बाद में ही बांट लेंगे। आप मुझे राइट आंसर बताइएगा, एक नंबर पे कौन आएगा, दो पे कौन आएगा, तीन पे कौन आएगा। मैंने ऑप्शन आपके सामने दिया बच्चों, फटाफट सभी बच्चे आंसर पुट करें, फटाफट सभी बच्चे आंसर पुट करें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पुट इट, पुट इट। बहुत बढ़िया, आपको पता लगाना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले कौन सा, दो नंबर पे कौन सा, तीन नंबर पे कौन सा, आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही आंसर, क्योंकि सबसे पहले कौन है, एयरवे क्लियर करना जरूरी है, सबसे पहले क्या, एयरवे क्लियर करना जरूरी है, दूसरा ऑक्सीजन डिलीवर करना जरूरी है, ऑक्सीजन डिलीवर करना जरूरी है, तीसरा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना जरूरी है, और दुख तो बाद में ही बांट लिया जाएगा, ये काम पर आ जाएगा डी पे, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया, यस, ये हुई ना बात, आप सभी ने राइट आंसर पुट किया, दैट इज ए रियली ग्रेट कॉपरेशन, नाइस कॉपरेशन। आप बहुत सूझबूझ से आंसर दे रहे हो, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही अपना सिलेक्शन करवाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही अपना सिलेक्शन करवाएगा बच्चों। ओके फाइन, विल गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रायोरिटीज आर द एस्टैब्लिश टू हेल्प द नर्स एंटीसिपेट एंड सीक्वेंस नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन क्लाइंट हैज मल्टीपल प्रॉब्लम और अल्टरेशन, प्रायोरिटी आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइंट। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम है,
एक पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट हुआ, अब उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो किसके बिहा पे डायग्नोसिस बनाएंगे? देखिएगा, फिजिशियन के अकॉर्डिंग नॉन इमरजेंट नॉन लाइफ थ्रेटनिंग नीड के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को देखते हुए, यो पेशेंट की अर्जेंसी को देखते हुए, किसके बिहा पे पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया जाएगा? फिजिशियन के कहने पे बनाएंगे, कोई इमरजेंसी कंडीशन उसके हिसाब से बनाएंगे, या फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, बेटा बीमा करवा ले, नौकरी लग जा, या फिर उसकी अभी जो प्रॉब्लम दिख रही है उसको ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे, अर्जेंसी को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी, यस यस यस, बहुत बढ़िया, यस, सभी बच्चों ने आंसर पुट कर दिया। बेटा ये इससे क्वेश्चन नीचे नहीं आएगा, यू कैन सी पुट द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, दैट इज अर्जेंसी ऑफ प्रॉब्लम। हमेशा सबसे पहले जो दिक्कत है, अर्जेंसी है, उसको ट्रीट करना फिर फर्दर जाना है, आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो बच्चों। नेक्स्ट मैंने पूछा है विड्थ, देखिए नर्सिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया, दो तीन क्वेश्चन है जो आपको बेसिक जानना जरूरी है। मैट्रेस जो होता बेड का मैंने उसकी विड्थ पूछी है, यो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्वेश्चन है, बेड के मैट्रेस की विड्थ पूछी आपसे, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर, मैट्रेस की विड्थ, बेटा मैट्रेस की विड्थ पूछा है, राइट आंसर क्या होगा? 160, 170, 180, 190 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ मैट्रेस है, जो अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं, उस मैट्रेस की विड्थ आपसे पूछी बच्चों मैंने, फटाफट आंसर दीजिएगा, ए बी सी डी, मैट्रेस की विड्थ, यस, क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा, यहां कोई अप्लीकेबल नहीं है, आपको आंसर पुट करना है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, याद रख लीजिएगा, 190 सेंटीमीटर फर्म थिक स्मूथ होना चाहिए, मैट्रेस जो है फर्म होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, स्मूथ, ये आपके मैट्रेस की विड्थ आई है बेटा। मैं थिक पिलो की भी बताऊंगा, ब्लैंकेट की भी बताऊंगा, पता होना चाहिए, जब आप पेशेंट का बेड प्रिपेयर कर रहे हो तो बेड के पे यूज होने वाले जितने भी मटेरियल है उसके पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, साइज ऑफ पिलो, तकिया की साइज क्या है, पिलो की साइज क्या है, हम लोग सब पिलो यूज करते हैं, हॉस्पिटल में भी पिलो यूज करते हैं, पिलो की साइज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, 40 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर वाइड, 12 सेंटीमीटर थिक। दूसरा मैंने पुट किया बेटा, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर थिक। तीसरा मैंने पुट किया है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर थिक। और डी में पुट किया है, 80 सेंटीमीटर। पुट द राइट आंसर। पिलो की साइज पूछी, आज के बाद आप जो पिलो यूज करते हैं हॉस्पिटल में, लंबाई चौड़ाई मोटाई पता होना चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा कितना मोटा होना चाहिए पिलो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, बिकॉज ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट का बेड मेकिंग बेड केयर करने का, पता होना चाहिए आपको, पैरामीटर पता होना चाहिए। पुट द आंसर, ए बी सी डी, चौके छक्के नहीं मारो बच्चों, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर वाइड और 10 सेंटीमीटर थिक, ये पिलो की साइज है, ये तकिया की साइज है, पिलो की साइज है, तकिया की साइज है, आज के बाद भूलोगे नहीं, सीधा 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, 45 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर मोटा होता है, ऐसा पिलो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन, विल गो फर्दर, ओके फाइन, आज के बाद आइडिया आ जाएगा बेटा, निशा आज के बाद आइडिया रखना है, एक और चीज पूछता हूं, बेडशीट के बारे में पूछता हूं, देखिए बेडशीट में क्या पूछा है, 80 इंच लॉन्ग 40 इंच वाइड, 106 इंच लॉन्ग और 56 इंच वाइड, ध्यान से देखना, छोटे छोटे पैरामीटर्स है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस, ये पैरामीटर बेसिक है, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन पैरामीटर के बारे में जानने का, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पिलो आपने देख लिया, पिलो के बाद हम फर्दर चले गए थे और फर्दर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें मैंने बेडशीट का बताया, 80, 106, 110 और 108, फटाफट आंसर पुट करिएगा, बेडशीट,
आपने कई बार हॉस्पिटल में देखा होगा, कई बार हॉस्पिटल में देखा होगा बेडशीट की लंबाई कम पड़ जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक साइड से हम बना पाते कॉर्नर बनाते, इसको मिटेड कॉर्नर बोलते हैं। बेडशीट को एक कॉर्नर देखा होगा बच्चों आपने, इस तरीके से बेड पे जब बेडशीट लगाते हैं तो यहां पर एक कॉर्नर बनता है, ये 45 डिग्री एंगल का बनता है, इसको मिटेड कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिटेड कॉर्नर बोलते हैं, मिटेड कॉर्नर, जो कॉर्नर टक करके बनाते हैं उसको मिटेड कॉर्नर बोलते हैं। राइट आंसर पुट करिएगा, राइट आंसर 108 डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, राइट आंसर बिल्कुल सही। ओके फाइन, मैंने बेडशीट का बता दिया। नेक्स्ट मैंने पूछा ऑपरेशन थिएटर, व्हाट शुड बी साइज ऑफ जनरल सर्जरी ओटी, जनरल सर्जरी ओटी की साइज कितनी होनी चाहिए? 18 फीट बाई 20 फीट, 16 फीट बाई 24 फीट, 18 फीट बाई 22 फीट, फटाफट पुट करिएगा। मैंने जनरल ओटी का साइज पूछा है, जनरल ओटी का साइज पूछा आपसे 18 फीट बाई 20, 18, 24, 18, 22, 16, 20, कीप इट अप, शाबाश शाबाश, ये लास्ट एमसीक्यू है, फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। यस बिल्कुल सही आंसर, 18 फीट और 20 फीट। तो आज की जर्नी बच्चों यहीं तक थी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप और हमने मिलकर डिस्कस की, कल फिर एक नई चीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आने वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल साइन पढ़ेंगे अपन। तो ये जो लास्ट 2 आवर का साथ था, खूबसूरत जर्नी रही, बहुत कुछ आप और हमने मिलकर पढ़ा, पूरी उम्मीद करता हूं ये छोटा छोटा प्रयास जो है जेएनसी के द्वारा आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें। हमें सिर्फ आपका कीमती टाइम चाहिए, आपका टाइम बराबर मिलता रहे, जॉब तक और सिलेक्शन तक ले जाने की जिम्मेदारी आपके परिवार की है। बस एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहें, साथ देते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में बचे हुए सब्जेक्ट को कवर करना है। हम उस टॉपिक तक पहुंचेंगे जहां क्वेश्चन बनता है, हम उस हर टॉपिक तक पहुंचेंगे जहां क्वेश्चन बनता है। जेएनसी हर घर पहुंच गया, याद है ना बच्चों, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेआईएनसी है तो मुमकिन है, जेआईएनसी है तो मुमकिन है। इस नारे को, इस वादे को काफी हद तक आप लोगों ने परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, और हर दिन जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, यह सबसे खुशी की बात है। आपने जिम्मेदारी उठाई, उस जिम्मेदारी को फॉलो कर रहे हो। आने वाले टाइम में जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें हर एम्स में तिरंगा फहराना है, हर एम्स में फतेह करना है, एक ही जिद, एक ही सपना, एक ही गोल, एम्स चाहिए, एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एम्स के लिए जो मेहनत करनी है हम करेंगे, बस वो ड्रीम पूरा होना चाहिए, वो ड्रीम पूरा करके छोड़ेंगे। मेरा सपना है साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचाने का, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीम जेएनसी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका ट्रस्ट ऐसे ही बना रहे हैं। कल मिलते हैं सुबह एक नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।